everyone and a warm welcome to our channel. I hope you're doing well and studies and preparations are going on. And just to help you with your studies and preparations, we are starting with our revision lectures for CA Interlock paper number 2, corporate and other laws. Right? दो या तीन बस चीजें आपको क्विकली बता रहा हूं एंड देन वी विल प्रोसीड विद द रिवीजन. फर्स्ट, दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल. एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप नाम सर्च कर सकते हो CA Interlock बाय माई नेम, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन ज्वाइन दिस फॉर बेसिकली दीज फोर पर्पजेस. फर्स्ट, MCQs, राइट. मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि बहुत सुपर कंसेप्चुअल MCQs आपको बना के दू. ऐसे वाले नहीं कि तीन चार ऑप्शन है उसमें से एक सिलेक्ट करना है बस, जो नॉर्मल किसी को भी आता है. नहीं, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपकी गलतियां हो, और आपकी गलतियां यहां पे होंगी तो कंसेप्ट स्ट्रांग होएगा, और कंसेप्ट स्ट्रांग रहेगा तो अपना पेपर भी अच्छा जाएगा. सेकेंड, ऑडियो नोट्स. आई विल बी गिविंग अ लॉट ऑफ ऑडियो नोट्स फॉर फ्रिक्शन एरियाज, जो भी मुश्किल एरियाज है उसके लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, जनरल गाइडेंस बहुत सारी चीजें आती है. फॉर एग्जाम्पल, अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं 1 February को, कमिंग वीकेंड पे आई एम प्लानिंग अ जूम सेशन विद सी इंटर स्टूडेंट्स, ठीक है. तो उसके अंदर जनरल गाइडेंस एंड एवरीथिंग विल बी गिवन, बट उसकी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे ही जाती है, उसके यूट्यूब पे नहीं आती. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो फर्स्ट हैंड टेलीग्राम पे शेयर किया जाएगा, सो इसीलिए आप ज्वाइन कर सकते हो. और नोट्स गूगल ड्राइव के थ्रू भी मैं दूंगा आपको, अटैच जो भी करना होगा वो कहीं पे भी कर दूंगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट टेलीग्राम पे इट्स बेटर दैट यू गेट द नोट्स, सो दैट वहां पे कोई इशू ना आए, लिंक नहीं चल रही, वो नहीं चल रहा, यू कैन जस्ट गेट योर नोट्स फर्स्ट हैंड, राइट. अच्छा सर, इन रिविजन लेक्चर्स के बारे में जरा बताओ. देखो, ये रिविजन लेक्चर्स जो मैंने प्लान किए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना दो तरीके का यहाँ पे मटेरियल दिखेगा. एक, मेरे जो नोट्स होंगे बुक की फॉर्म में, ठीक है, वो अभी बुक प्रिंट हुई नहीं है, मार्केट में आई नहीं है, तो वो अभी आपको नहीं मिलेगी. एंड सेकेंड, आप May 23 के स्टूडेंट हो, अभी आपको मटेरियल चेंज करना ही नहीं है. वो बुक वगैरह जब आएगी वो November 23 वालों के लिए आएगी, आपको अभी अपना मटेरियल सेम रखना है. तो सर, अभी हमारे पास सपोज कोई मटेरियल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप ICAR का स्टडी मटेरियल है, आप उसको भी यूज कर सकते हो. दीज रिविजन लेक्चर्स विल वर्क लाइक वेरी प्रॉपरली विद द ICAR मटेरियल, ओके. सो मटेरियल मत चेंज करना. उसके साथ मैं ना कुछ हैंड रिटन नोटिंग्स कराता हूं. आज आप जैसा पढ़ोगे ना, वही तरीका होता है मेरा क्लास का, तो वो हैंड रिटन नोटिंग्स वाला PDF मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि वो आप यूज कर सकते हो, वो एक एक्स्ट्रा आपको हेल्प करेगा, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको आफ्टर रिविजन लेक्चर्स इफ यू फील दैट यस दिस हेल्प, तो आपको इस पर फीडबैक देना है. देखो, मैं कभी नहीं बोलूंगा आप यू नो कमेंट करो, ये करो, नहीं, आपको अच्छा लगेगा आप कर दोगे, बट फीडबैक जरूर दे देना. सर, उससे समझ आता है कि जो मैं सोच रहा हूं कि इंपैक्ट ऐसे ऐसे जाना चाहिए, वो तरीके से आर यू एबल टू रिसीव दैट काइंड ऑफ अ थिंग, आर दीज रिविजन लेक्चर्स हेल्पिंग यू, तो उसके बेसिस पे फिर मैं आगे बढ़ूंगा अगले चैप्टर्स पे, राइट. सो आपको फीडबैक जरूर देना है. दीज आर बेसिकली फॉर May 23, और अपना जो पहला बैच होगा वो November 23 के लिए होगा, ओके. तो May 23 वालों, अगर आपने, मैं एक चीज बोल दूं, आपने अगर कहीं पे कोई क्लास नहीं कर रखी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इन रिवीजन लेक्चर्स में से सारे कंसेप्ट आपको हाथ में आ जाएंगे, सारे कंसेप्ट, दैट इज माय गारंटी. और क्वेश्चंस वगैरह आप कहीं से भी कोई भी बुक लेना, मक्खन की तरह निकलेंगे. और अगर नहीं निकले तो मैं हूं, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, राइट. दिस इज अवर ऑफिशियल नंबर. तो ये दो तीन इंफॉर्मेशन है. टेलीग्राम पक्का ज्वाइन करना, क्योंकि इस पे ये MCQs आपको बहुत अच्छा एक डिफरेंस लेके आएंगे. एंड आपने अगर मेरी लाइन देखी होगी, ये मेरी सिर्फ टैगलाइन नहीं है, रेडी टू स्टडी लॉ लाइक नेवर बिफोर, बट दिस इज समथिंग, अ सिंसियर एफर्ट दैट आई एम टेकिंग. सो आई रियली होप कि आपको जो है ये डिफरेंस फील हो, एंड यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी लॉ लाइक नेवर बिफोर, ओके. सो विद दैट, लेट्स स्टार्ट. आ जाओ सर, ये वाले जैसे है ना, ये छोटे छोटे एरियाज में मैंने कुछ नोटिंग्स कर रखी है, ये मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पे भी दे दूंगा. हेलो एवरीवन एंड अ वार्म वेलकम टू अवर चैनल. आई होप यू आर डूइंग वेल. सो इन कंटिन्यूएशन टू अवर रिवीजन सीरीज फॉर पेपर नंबर 2, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज CA इंटरमीडिएट, अपन इस चैप्टर में, मतलब इस रिवीजन वीडियो में उठाने वाले चैप्टर नंबर 3, दैट इज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक डिटेल्ड लेक्चर, जैसे हमारा क्लास में कवरेज रहता है, काइंड ऑफ वैसा कवरेज एक ऑलरेडी अवेलेबल है. I will provide the link to that particular video in this description also. So if you feel you can devote a bit more time, I would strongly advise you ki aap ek bar us lecture ko zarur dekhna. And is wale mein to obviously hum revision to karne wale hai. Right? So let's start. Iske handwritten bhi apne bana liye hai. Iska handwritten bhi isme use aane wala hai. Section 29 mein, section number 25 mein. To ye aapko telegram channel pe milega. Okay. So let's start with our revision. चैप्टर नंबर 3, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. मोटा मोटा अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर जो सिक्योरिटीज इशू होती है वो किस तरीके से होती है, सो मेजरली देयर आर टू वेज. एक होता है पब्लिक ऑफर,
और एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक ऑफर में आप पब्लिक के पास जाके बोलते हो कि सर सारे के सारे, मतलब सबको बोलते हो कि सुनो आप सिक्योरिटीज को ऑफर करो, मतलब यू वी आर ऑफरिंग द सिक्योरिटीज, पे करो एंड सिक्योरिटीज ले लो। सर प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, ऑब्वियसली डिटेल्स हम 42 सेक्शन में बात करेंगे, बट प्राइवेट प्लेसमेंट में आप सबको नहीं बोलते हो, आप कुछ सिलेक्टेड जनों को बोलते हो प्राइवेटली, चुपके से बोलते हो कि भाई सिक्योरिटीज लेगा क्या। ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट। As per section 2, clause 81, sir, what do you mean by securities? Securities means the securities as defined in clause H of section number 2 of SCRA Act. Sir, ये SCRA Act के जाने की जरूरत है क्या? आप एक बार material से reading ले लेना, उसको as it is रट्टा मानने की जरूरत नहीं है, बस उसमें से एक चीज का ध्यान रखना कि that said definition does not include unit linked insurance policies or scripts. मतलब, if there is a combination of investment plus insurance, आज के इसमें बहुत common है ये market में, कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का मिक्स किया जाता है, तो ऐसा कोई अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है तो वो सिक्योरिटी के डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो उसके अंदर अगर आपने फ्लेवर मिला दिया इंश्योरेंस का तो वो सिक्योरिटी से बाहर हो जाएगा। बस एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि सिक्योरिटीज डज नॉट मीन शेयर, शेयर इज अ सबसेट ऑफ सिक्योरिटी, डिबेंचर इज नॉट अ शेयर बट इट इज अ सिक्योरिटी, बॉन्ड इज नॉट अ शेयर बट इट इज अ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी और शेयर्स के वर्ड्स जो है आप ऐसे लूजली नहीं यूज कर सकते, रैंडमली नहीं यूज कर सकते। लॉ में हर एक शब्द का मतलब है, हर एक कॉमा का मतलब है, हर एक फुल स्टॉप का मतलब है, सो प्लीज पे अटेंशन ऑफ व्हाट वर्ड्स यू आर यूजिंग। राइट, लेट्स स्टार्ट सेक्शन 23, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। इन व्हाट वेज कैन अ पब्लिक कंपनी इशू सिक्योरिटी। सबसेक्शन 1 में हमने बोला कि भैया पब्लिक कंपनी के पास तीन तरीके हैं टू इशू द सिक्योरिटीज। आप पब्लिक को इशू कर सकते हो थ्रू प्रोस्पेक्टस, आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर राइट्स इशू और बोनस इशू। राइट्स इशू क्या होता है सर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलते हो या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर को बोलते हो कि भैया तेरे को कुछ और चाहिए क्या, कोई और सिक्योरिटी चाहिए क्या, तो ले ले। और बोनस शेयर में क्या होता है, आप एग्जिस्टिंग वाले को बोनस दे देते हो बाय कैपिटलाइजिंग द प्रॉफिट्स। राइट, सो इस चीज में एक और चीज का ध्यान रखना है आपको कि अगर कोई एक लिस्टेड कंपनी है या एक ऐसी कंपनी है विच इंटेंड्स टू गेट इट सिक्योरिटी लिस्टेड, मतलब अभी तो लिस्टेड नहीं है लेकिन तू लिस्टिंग कराने वाली है, सो यू हैव टू कंप्लाई विद द सेबी एक्ट 1992। क्यों? अरे लिस्टिंग का सारा काम लिस्टेड सिक्योरिटीज आते ही, द वॉचडॉग इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। राइट, सो सेबी के हिसाब से चलना है। अब वहां से प्राइवेट कंपनी उठ के आई, सर सबसेक्शन 1 में आपने तो पब्लिक कंपनी के लिए बोला, प्राइवेट कंपनी का क्या, मैंने कहा क्यों चिंता कर रहा है, तेरे लिए भी बताता हूं। तो अगर प्राइवेट कंपनी को सिक्योरिटीज इशू करनी है तो वो इशू कर सकता है बाय वे ऑफ राइट्स इशू, बोनस इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट कंपनी दुखी हो गई, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा था ऊपर वाले को तीन तीन तरीके दिए, मेरे वाले को दो ही दिए। अरे भाई पब्लिक से सिक्योरिटीज, तू पब्लिक को सिक्योरिटीज नहीं इशू कर सकता ना, तू पब्लिक ऑफर नहीं कर सकता ना। सर क्यों? अरे आप भूल गए, प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 268 में आर्टिकल्स के द्वारा एक प्रोहिबिशन लगानी पड़ती है, इन विच इट इज प्रोहिबिटेड टू इशू सिक्योरिटीज टू जनरल पब्लिक, तो वो पब्लिक ऑफर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वाला पब्लिक ऑफर एक पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, इसीलिए इसके पास दो इश्यूज हैं, तो इन दो तरीकों से वो सिक्योरिटीज को इशू कर सकता है। ओके, अब एक बच्चा है, मैंने इस बच्चे को पूछा क्या डाउट है, उसने कहा सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक ऑफर, डज इट मीन ओनली द इशू ऑफ न्यू शेयर्स? नहीं नहीं नहीं, न्यू शेयर्स भी हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स भी हो सकते हैं, जिसको हम प्यार से कहते हैं OFS, ऑफर फॉर सेल। सो न्यू शेयर्स में अगेन देयर आर टू टाइप्स, काइंड ऑफ एन IPO और FPO। सर मतलब एक कंपनी जब पहली बार सिक्योरिटीज इशू करती है पब्लिक को, उसको कहते हैं IPO, और सपोज उसी कंपनी ने बाद में जाके कभी दोबारा कोई इशू किया, कोई भी ऑफर निकाला, इट इज नोन एज फर्दर पब्लिक ऑफर। तो पहली बार कर रहे हो तो वर्ड इनिशियल और आगे पब्लिक ऑफर, दोबारा कर रहे हो तो फर्दर और आगे पब्लिक ऑफर। अडानी एंटरप्राइजेस का जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं फेब्रुवरी 23 में, तो अडानी एंटरप्राइजेस का भी एक FPO की बात चल रही थी, तो क्यों? क्योंकि उसने पहले अपना IPO निकाल रखा है। राइट, सो इट कैन बी IPO और FPO इन विच न्यू शेयर्स आर इशूड, और इट कैन बी ऑफर फॉर सेल, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर थे, एग्जिस्टिंग शेयर से किसी शेयर होल्डर के पास वो पब्लिक को सेल कर देता है। राइट, नाउ एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 70, सर प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टस मतलब सिंपल सी बात, यार मैं आपके पास आया, मैंने बोला आप सिक्योरिटीज खरीदोगे, पैसे डाल के सिक्योरिटीज खरीदोगे, आपने कहा ठीक है लेकिन बताओ तो सही पैसा किस चीज के लिए चाहिए, आपकी कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कितने का सिक्योरिटी है, ये सारी डिटेल्स दो ना, ओरली थोड़ी ना बताऊंगा। तो उसकी जगह मैं अपने पास से एक डॉक्यूमेंट निकाल के दूंगा कि भैया ये ले डॉक्यूमेंट, इसके बेसिस पे आप जरा चेक कर लो कि डू यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब फॉर अवर सिक्योरिटीज, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज प्रोस्पेक्टस। तो सेक्शन 2+70 कहता है प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस, जो भी मैं डिस्क्राइब या इशू करूंगा, एंड इट इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 32 एंड शेल प्रोस्पेक्टस एज पर सेक्शन 31, दोनों में अभी आपको कराऊंगा, और एनी नोटिस सर्क्यूलर एडवर्टीजमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय विच
by which you are inviting offers from the public for subscription or purchase of any securities of body corporate. ध्यान रखना मैं word use कर रहा हूँ security ना ही shares. तो अगर debentures वगैरह का भी issue है तब भी prospectus is a relevant term here. Okay, let's start. आगे चलते हैं. Section number 26. सेक्शन 26 क्या कह रहा है अपने को, इट इज टॉकिंग अबाउट सर्टेन मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस. अब देखो पब्लिक कंपनी को क्या क्या स्टेट करना है. मैटर्स इन द प्रोस्पेक्टस विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक कंपनी, एवरी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ पब्लिक कंपनी इधर विद रेफरेंस टू इट्स फॉर्मेशन और सब्सिक्वेंटली. अरे मतलब कंपनी जब बन रही है तभी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, या फिर कंपनी बनने के बाद दो चार पांच साल बाद प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है. मेन है कि सर आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, ठीक है, और by or on behalf of any person who is or has been engaged or interested in the formation of a public company. अरे मतलब कंपनी निकाल रही है या कोई पर्सन निकाल रहा है, कौन पर्सन, जो engaged है interested है with respect to the formation of a public company. तो कुल मिला के इन्वॉल्वमेंट तो पब्लिक कंपनी की है. तो इन दोनों ही केसेस में ये जो प्रोस्पेक्टस निकलेगा इट शुड बी डेटेड, इट शुड बी साइंड एंड इट शुड स्टेट सर्टन मैटर्स. क्या मैटर्स? सच इंफॉर्मेशन एंड सेट आउट सच रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये तीन चीजें ध्यान रखनी है. डेटेड, आप डेट डालो, उसकी प्रॉपर साइनिंग करवाओ एंड उसके अंदर ये मैटर्स बताओ. क्या? इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन सर अभी अगर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ये कोई स्पेसिफाइड मैटर्स नहीं है, तो तब तक क्या करे? प्लीज कंप्लाई विद द सेबी रेगुलेशंस अंडर सेबी एक्ट. वो सीजी वाले प्रिस्क्राइब जो है सीजी के साथ कंसल्ट करके जो प्रिस्क्राइब करने हैं वो जब तक नहीं आते, सेबी रेगुलेशंस अंडर सेबी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू अप्लाई. तो एटलीस्ट आप सेबी रेगुलेशंस का कंप्लायंस करो. अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्लॉज नंबर सी आता है. अरे सर क्लॉज ए और बी तो बता दो. अरे ए और बी ओमिट हो चुका है. तो एक क्लॉज सी आता है जिसमें डिक्लेरेशन देनी पड़ती है. इसमें डिक्लेयर क्या करना पड़ता है कि सर हमने सारे प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंप्लाई करे, प्लस अ स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट नथिंग इन द प्रोस्पेक्टस इज कॉन्ट्रारी. कॉन्ट्रारी मतलब उल्टा. नथिंग इज कॉन्ट्रारी टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट और SCRA मतलब सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एज वेल एज सेबी एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर. सर कुल मिला के ये बोल दो ना कि कंपनीज एक्ट कंप्लाई किया और जो भी रेलिवेंट एक्ट है सिक्योरिटीज का वो हमने कोई भी नॉन कंप्लाई नहीं किया, हमने कुछ भी इसके अंदर कॉन्ट्रारी नहीं डाला. क्लियर? यस सर. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सबसेक्शन 1 मतलब ये जो सबसेक्शन 1 में आपने बोला कि प्रोस्पेक्टस को डेट कराओ, साइन कराओ, ऐसे ऐसे मैटर्स लिखवाओ, ये नहीं लगेगा. किस रिस्पेक्ट में? सर टू द इश्यू टू द एग्जिस्टिंग मेंबर और डिबेंचर होल्डर ऑफ अ प्रोस्पेक्टस और फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन रिलेटिंग टू शेयर्स और डिबेंचर्स इन द कंपनी एंड वेदर और नॉट द एप्लीकेंट हैज राइट टू रिनाउंस और नॉट. सर मतलब आप जब ये प्रोस्पेक्टस या कोई फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन इशू कर रहे हो, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, हियर वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट शेयर्स एंड डिबेंचर्स. तो ये एक तो बात आपको ध्यान रखनी है, वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट शेयर्स एंड डिबेंचर. तो वो शेयर्स और डिबेंचर्स का इशू जो कर रहे हो ना, वो आपका पहला इशू नहीं है. कोई एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर या मेंबर्स है और उनको आप इशू कर रहे हो. लेकिन सर उस बंदे के पास राइट टू रिनाउंस है या नहीं है, इससे फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता. सर राइट टू रिनाउंस क्या होता है? अरे मैं एग्जिस्टिंग मेंबर हूं, मैंने बोला ये राइट जो है ना परचेस करने का, ये मैं किसी और को बेच रहा हूं. दिस इज नोन एज रिनंसिएशन. सो इट इज इररिलेवेंट वेदर आई Who am I? Existing member or debenture holder. So whether I do have the right to renunciation is irrelevant. It is irrelevant. ठीक है? तो main क्या देखना है? सिर्फ दो condition. Existing वाले को दे रहे हो और existing कौन? Member या debenture holder. तो सर नया तो नहीं है ना, तो फिर ये subsection मत लगाओ. ठीक है सर, नहीं लगाएंगे. Next. It will not apply to the issue of prospectus or form of application. बात एक ही है ना, prospectus ही हुआ ना ये form of application. Relating to shares or debentures which are और आर टू बी मतलब आप इशू कर चुके हो तो आर, या तो आप करने वाले हो तो आर टू बी. हर एक चीज का मतलब है लॉ में. इन ऑल रिस्पेक्ट्स यूनिफॉर्म विद द शेयर्स और डिबेंचर्स प्रीवियसली इशूड. अरे मतलब आप जो ये नए नए शेयर डिबेंचर इशू कर रहे हो ना, आप ये पहले एक बार कर चुके हो. सर इसमें और इसमें फर्क क्या है? फर्स्ट वाले में मैं बोल रहा हूं कि आप किसको इशू कर रहे हो, मैं यहां पे बोल रहा हूं कि जो आप इशू कर रहे हो उसका नेचर क्या है. उसका नेचर ये है कि सर वो पूरे का पूरे यूनिफॉर्म है टू द शेयर्स और डिबेंचर्स प्रीवियसली इशूड. सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन क्लॉज नंबर ए एंड क्लॉज नंबर बी. क्लॉज नंबर ए में यूनिफॉर्म है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, एग्जिस्टिंग वालों को दे रहा हूं. क्लॉज नंबर बी में किसको दे रहा हूं फर्क नहीं पड़ता, यूनिफॉर्म है सर वो. विथ रिस्पेक्ट टू वॉट? Previously issued shares and debentures and which are for the time being dealt or quoted in a recognized stock exchange. मतलब listed है.
अनलिस्टेड नहीं है, लिस्टेड सिक्योरिटीज है, ठीक है सर। यस, एप्लीकेशन ऑफ सबसेक्शन 1 टू प्रोस्पेक्टस और टू अ फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, ये क्लैरिफिकेशन है, बस रीड करके छोड़ देना। दैट द सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू अ प्रोस्पेक्टस और फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन वेदर इश्यूड ऑन और विद रेफरेंस टू फॉर्मेशन और सब्सिक्वेंटली, मतलब एक कंपनी बन रही है तब आप इशू कर रहे हो या कंपनी बन चुकी है बाद में इशू कर रहे हो, फर्क क्या पड़ता है सर, इशू तो कर रहे हो ना, तो नई कंपनी है या पुरानी कंपनी है डज नॉट मैटर। अब इस बच्चे को एक डाउट है, मैंने कहा बता बेटा क्या हुआ, ये बेटा बेटा कभी और बोल देता हूं, पर मैं आपसे इतना बड़ा नहीं हुआ तो ऐसे मत समझना कोई बड़े से हमें पढ़ा रहे हैं। नो, लेट्स अंडरस्टैंड कि एक बच्चे को डाउट है, उसने कहा सर ये डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ अ प्रोस्पेक्टस क्या होती है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस किसी दिन प्रिंट हो रहा है किसी दिन इशू हो रहा है, तो व्हाट इज द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, वॉट एवर डेट दैट यू मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस इज द डेट ऑफ पब्लिकेशन, राइट। सो डेट इंडिकेटेड इन द प्रोस्पेक्टस शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ पब्लिकेशन, सर मतलब ये वाली, हाँ ये वाली, दिस इज योर डेट ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है, हाँ सर आगे आ जाओ। अब सबसेक्शन 4 वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्रोस्पेक्टस जो भी इशू कर रहे हो उससे पहले आपको रजिस्ट्रार को वो कॉपी, उस प्रोस्पेक्टस की साइंड कॉपी आपको देनी है रजिस्ट्रार को, क्यों, फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग। सर दो सवाल, डिलीवर कब करना है और साइन किससे करवाना है, तो आप साइन कराओ बाय एवरी पर्सन हु इज नेम देरिन एज अ डायरेक्टर, जिसका नाम है डायरेक्टर, और प्रपोज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब अभी है नहीं लेकिन बनने वाला है, और बाय हिज ड्यूली ऑथराइज्ड अटर्नी। तो मोटा मोटा लर्न करे तो डायरेक्टर या उसका अटर्नी, मेंबर से साइन नहीं कराओगे, क्यों, अरे मेंबर तो भी बनने वाले ना, प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे ही तो सिक्योरिटीज इशू हो रही है, राइट। सर डिलीवर कब करना है, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन, आप जब भी पब्लिकेशन करोगे, मतलब आप जो ये डेट डालोगे उससे पहले आपको उस आरओसी को जो है उसकी कॉपी सबमिट करा देनी है। सर ये ऊपर क्या बात लिखी, अभी आपको समझ आएगी, 2 मिनट रुक जाओ, इसको 2 मिनट के लिए पेंडिंग छोड़ो, ठीक है। तो आपको साइंड कॉपी जो है वो डिलीवर करनी है, एंड अनलेस एंड अंटिल आप ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हो, नो प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी और इन रिलेशन टू एन इंटेंडेड कंपनी, मतलब नई कंपनी। तो जब तक आप आरओसी को जो है वो कॉपी सबमिट नहीं करोगे आपका प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हो सकता, क्लियर है बात, हाँ सर। सबसेक्शन 5 एक स्पेसिफिक सा पार्ट है, इसमें से भी सवाल आते हैं, इफ द प्रोस्पेक्टस टू बी इशूड कंटेन्स अ स्टेटमेंट परपेटेड टू हैव बीन मेड बाय एन एक्सपर्ट। सर परपेटेड मतलब क्या, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी एक्सपर्ट ने किया है, फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यूअर है, कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, कोई इंजीनियर है, तो उसने ऐसा कोई एक्सपर्ट है जिसने ये स्टेटमेंट किया है, तो उस स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में 4 कंडीशन आपकी कंप्लाई होनी चाहिए। जब तक वो 4 कंडीशन कंप्लाई नहीं होती ये प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया जा सकता। कौन कौन सी, पहली, एक्सपर्ट इज अ पर्सन हु इज नॉट एंड हैज नॉट बीन एंगेज्ड और इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन और प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अरे मतलब वो कंपनी से दूर है, कंपनी से इंडिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि सर अगर कंपनी के मैनेजमेंट फॉर्मेशन और प्रमोशन में वो इन्वॉल्व है तो वो ट्रू मायने में एक्सपर्ट नहीं है, या फिर एक्सपर्ट है लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसके ओपिनियन को हम बिलीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कंपनी का हिस्सा है। सो फर्स्ट इज वी कैन से ही इज इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, he has given his written consent to the issue of prospectus. उसका written consent है कि ठीक है ये prospectus में मेरा statement आप ले लो और आप इसको issue करो। Second, third, ये written consent उसने withdraw नहीं करा before the delivery of copy of prospectus to register for filing, जो ऊपर अभी अभी हमने किया 26 subsection 4 में। तो ROC को deliver करने से पहले उसने written consent दिया and withdraw नहीं किया। एंड फोर्थ, अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। किस इफेक्ट, कि भैया ऐसे ऐसे एक्सपर्ट ने जो है वो रिटर्न कंसेंट दी है और विड्रॉ नहीं करी है, ठीक है। तो रिटर्न कंसेंट के रिस्पेक्ट में आपका एक स्टेटमेंट जाना चाहिए, डिस्क्लोजर जाना चाहिए इन द प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट, एवरी प्रोस्पेक्टस टू बी इशूड शुड ऑन द फेस ऑफ इट स्टेट दैट अ कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड फॉर फाइलिंग टू द आरओसी एज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 4। आप अपने प्रोस्पेक्टस में लिखो कि आपने एक साइंड कॉपी सेक्शन 26 सबसेक्शन 4 के हिसाब से आरओसी को डिलीवर करी है। सर इन शॉर्ट आपको डिलीवर तो करना है और बताना है कि मैंने डिलीवर करी है, राइट। एंड ऑल्सो स्पेसिफाई एनी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 26 टू बी अटैच टू द कॉपी सो डिलीवर्ड और रेफर टू द स्टेटमेंट included in the prospectus which specify these documents। मतलब आप या तो लिस्ट बता दो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है हमें अटैच करके देने पड़ते हैं इस कॉपी के साथ। कौन सी, अरे जो प्रोस्पेक्टस की कॉपी आपने आरओसी को दी होगी, ठीक है। और अगर आपके पास पूरी लिस्ट नहीं है, आप ऐसा कुछ जो प्रोस्पेक्टस में आपने कुछ स्टेटमेंट्स बता रखे हो तो आप उतना रेफर कर दो कि भैया हमारे प्रोस्पेक्टस में जो है यहां आप देख लो, वहां पर हमने डॉक्यूमेंट जो है वो स्पेसिफाई कर दिए जो जो हमें डिलीवर करने पड़ते हैं, राइट। नाउ For a prospectus to be valid, it should be issued within 90 days from the date of delivery of copy to ROC under subsection 4. अब आपको समझ आएगा इस बात का मतलब। अब जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपको इस बात का समझ आएगा मतलब कि अगर आपने आज ROC को prospectus की copy deliver करी है तो within 90 days इस prospectus का issue कर देना,
आप इशू कर देना विद इन 90 डेज। सर क्यों बोला? अरे पता चले आज आरओसी को दे रहा हूं और 6 महीने बाद 8 महीने बाद प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा हूं, आरओसी कहेगा भाई इस दौरान कितने सारे चेंजेस हो गए होंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो 90 डेज में आप इशू कर दो, ठीक है, तो इसको आप अगली बार से लिंक कर पाओगे विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू इशू। ठीक है सर, आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन नंबर 29, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। सर हमें ना हमेशा कंफ्यूजन होती है कि ये डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में किसको देना है किसको नहीं देना है, तो एक ही बार में क्लियर कर लेते हैं। हाँ सर आ जाओ, 2 मिनट मुझे पानी पीने दो। आपको कैसे लग रहे चैप्टर पहले बताओ, ठीक लग रहा है आपको चैप्टर? हाँ सर हमें तो बहुत मजा आ रहा है, आगे बढ़ो। ठीक है सर आ जाओ, देखो एक कंपनी दो प्रकार की होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी एक होती है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी कैन बी लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड, राइट? तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी को तो डीमैट में ही इशू करना है एज पर सेक्शन 29 सबसेक्शन 1। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी अब डीमैट में ही इशू करना है, क्यों? सेक्शन 29 सबसेक्शन 1A रेड विद रूल नंबर 9A ने बोल दिया कि आपको भी डीमैट में जाना है, तो पब्लिक कंपनी का तो सब कुछ डीमैट में होगा। प्राइवेट कंपनी जो है जो कि अनलिस्टेड रहेगी उसके पास ऑप्शन है कि डीमैट में जाना है या नहीं जाना है, तो उसको हम सबसेक्शन 2 में देखेंगे कि डीमैट इज ऑप्शनल एंड नॉट मैंडेटरी। आप देखोगे इन सबसेक्शन 2 द वर्ड यूज्ड इज मे, द वर्ड यूज्ड इज मे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब ये आपको दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए ये वाली फिगर, ये नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आ जाओ, सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म ओनली, एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर। और सर यहां बोलने की जरूरत नहीं है कि ये कंपनी पब्लिक ही होगी। सर क्यों बोल रहे हो? अरे सेक्शन 2 क्लॉज 68 में पढ़ा था ना हमने, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में प्रोहिबिशन है पब्लिक ऑफर का, तो ये पब्लिक कंपनी होगी जो एक पब्लिक ऑफर कर रही है। एट एवरी प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी जो मैं नीचे अभी आपको पढ़ाऊंगा, दे शैल इशू सिक्योरिटीज ओनली इन डीमैट फॉर्म बाय कंप्लाइंग विद द डिपॉजिटरीज एक्ट। तो डीमटेरियलाइजेशन के लिए ये एक्ट आपको लर्न करना है, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, इस चीज का कंप्लायंस करना पड़ेगा। रूल नंबर 9 ना के दो चीजें बोली क्या, कि सर जो प्रमोटर्स है ऑफ अ पब्लिक कंपनी विच इज मेकिंग अ पब्लिक ऑफर ऑफ कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज मतलब हो सकता है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हो, तो वो आगे जाके शेयर्स में ही आने वाले हैं, तो कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज इशू करने से पहले इंश्योर कर लेना कि आपके प्रोमोटर्स आर होल्डिंग वॉट एवर देर होल्डिंग्स आर इन डीमैट फॉर्म। तो ठीक है हमने तो बोली दिया ना पब्लिक कंपनी को कि तेरी सारे सिक्योरिटीज डीमैट में होनी चाहिए, हमने ये थोड़ी बोला है सिर्फ शेयर्स, हमने तो बोला है सिक्योरिटीज, तो इसके अंदर कन्वर्टिबल भी आ जाएंगी। नेक्स्ट, इफ सच कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म अप टू द डेट ऑफ आईपीओ, आईपीओ तक तो चलेगा, आईपीओ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईपीओ के बाद मतलब आप पब्लिक ऑफर में जा रहे हो, आईपीओ इज अ पब्लिक ऑफर, तो क्योंकि अब आप पब्लिक ऑफर में जा रहे हो एंश्योर दैट ऑल योर एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स आर कन्वर्टेड इनटू डीमटेरियलाइज फॉर्म बिफोर सच ऑफर इज मेड, सच मतलब बिफोर पब्लिक ऑफर इज मेड, आईपीओ इज मेड, राइट? नेक्स्ट सर व्हाट अबाउट अनलिस्टेड कंपनीज, तो अनलिस्टेड कंपनीज में प्रिस्क्राइब क्लास जिसको मैं रूल 9 में आपको बताऊंगा दैट इज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज की सिक्योरिटीज हेल्ड और ट्रांसफर, जो होल्ड कर रही है या फिर ट्रांसफर कर रही है वो डीमैट में ही होनी चाहिए एज पर डिपॉजिटरी एक्ट 1996। एंड सर व्हाट अबाउट अ कंपनी अदर देन दोज कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1, अरे मतलब प्राइवेट कंपनीज का क्या, इट मे कन्वर्ट इट्स सिक्योरिटीज इनटू डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, तेरा मन है तो कन्वर्ट कर, नहीं तो तू फिजिकल में होल्ड कर सकता है, हमें इससे कोई इशू नहीं है। ओके अब इसको आप पढ़ सकते हो, दिस इज मे। अब आ जाओ सर मेन बात, रूल नंबर 9A, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म बाय अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। ओके आ जाओ, डीमैट फॉर्म, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शल इश्यू द सिक्योरिटीज ओनली एंड ओनली इन डीमैट फॉर्म एंड ऑल्सो फैसिलिटेट डीमटेरियलाइजेशन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, मतलब नई सिक्योरिटीज इन डीमैट, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ऑल्सो इन डीमैट। प्री कंडीशंस फॉर एनी ऑफर और इशू, बिफोर एनी ऑफर फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज और बायबैक और इशू ऑफ बोनस शेयर्स और राइट, अरे मतलब तू कोई नया इशू कर रहा है, कोई नया बायबैक कर रहा है, कोई राइट्स निकाल रहा है, कोई बोनस कर रहा है, उससे पहले कंपनी को बोला प्लीज एंश्योर दैट ऑल योर एंटायर होल्डिंग ऑफ योर प्रोमोटर your director and your KMP has been dematerialized in accordance with the provisions of Depositories Act 1996. तो जो भी existing वाले promoters होंगे, director होंगे, KMP होंगे, इनके पास shares रहे होंगे, इनके पास securities रही होंगी company की, उनको बोला भाई नए issue से पहले या नए buyback से पहले या नए bonus से पहले या नए rights से पहले तू अपना demat में convert कर।
सर इन शॉर्ट क्या बोला जा रहा है, एग्जिस्टिंग को सबको डीमैट में कन्वर्ट किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी होल्डर ऑफ द सिक्योरिटीज हु इंटेंड्स टू ट्रांसफर सच सिक्योरिटीज, ही हैज टू गेट सच सिक्योरिटीज डीमटेरियलाइज्ड बिफोर सच ट्रांसफर। अगेन उसको बोल दिया कि भाई तू है एक होल्डर ऑफ सिक्योरिटी इन एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तेरा मन है ट्रांसफर करने का, तो एक काम कर, तेरे को ट्रांसफर करने से पहले अपनी सिक्योरिटीज डीमैट में कन्वर्ट करवानी पड़ेगी। और हु सब्सक्राइब्स टू एनी सिक्योरिटीज बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स, ही हैज टू एंश्योर दैट ऑल हिज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, कीवर्ड का ध्यान दे, existing securities are held in demat form before such subscription। मतलब अरे सर एक existing holder है, वो transfer नहीं कर रहा है, वो transfer तो ऊपर cover कर लिया लेकिन वो नई securities को ले रहा है। कैसे सर? right से ले सकता है, bonus से ले सकता है, private placement से ले सकता है, किसी भी तरीके से ले रहा है। तो भाई उसको बोला पहले अपनी existing securities को convert कर before you take any new securities। सर convert किस में कर? अरे demat में। तो in short holder को, company को, सबको बोल दिया बुला के भैया अपना demat में convert कराओ, राइट। नेक्स्ट, एप्लीकेशन टू डिपॉजिटरी बाय द कंपनी। सर ये डिपॉजिटरी मतलब क्या होता है? अरे एनएसडीएल सीडीएस सर, कभी नहीं सुना आपने? हाँ सर सुना है। तो ये क्या है? डिपॉजिटरी से तो है। मैं आपको ना फाउंडेशन वाली जो क्लास लूंगा ना, बेसिक्स वाली, उसके अंदर भी बताऊंगा डिपॉजिटरी की वर्किंग कैसे होती है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि कंपनी को अगर डीमैट में जाना होता है तो उसको एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है कि भाई सुन ना मेरे को डीमैट में करवाना है, तू मेरी डिपॉजिटरी बन जाना, मैं तुझे उसके पैसे दूंगा और सारे शेयर तू होल्ड करेगा और जो एक्चुअल में रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका रिकॉर्ड तू मेंटेन करेगा। तो कंपनी की बुक्स में रजिस्टर्ड ओनर होती है डिपॉजिटरी और बेनिफिशियल ओनर होते हैं इन्वेस्टर। तो आज मेरे पास अगर रिलायंस का शेयर है तो रिलायंस के बुक्स में मेरा नाम नहीं है, रिलायंस के बुक्स में सीडीएसएल या एनएसडीएल का नाम है और उस एनएसडीएल या सीडीएसएल के नाम में मेरा नाम है, राइट, उसके रिकॉर्ड्स में मेरा नाम है। तो आ जाओ, अगर आपको डीमैट में जाना है तो कंपनी शैल फैसिलिटेट दिस डीमटेरियलाइजेशन ऑफ ऑल इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द डिपॉजिटरी एंड शैल सिक्योर आईएसआईएन, दिस इज नोन एज इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप बहुत जल्द आर्टिकलशिप फेज में आने वाले हो, वहां पे आप रिटर्न फाइल करोगे, उसमें इक्विटी शेयर्स का जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की फाइलिंग होती है ना एक सेक्शन 112 में, वहां पे आपको ये आईएसआईएन नंबर देना पड़ता है। तो उस टाइम ये मत पूछना आईएसआईएन क्या होता है, बोलना हमारे लॉ के फैकल्टी ने हमें पढ़ाया था, राइट। सो ये आईएसआईएन नंबर लेना पड़ता है, इसकी फुल फॉर्म लर्न करना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड दिस यू हैव टू टेक फॉर ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी। मतलब इक्विटी शेयर्स का अलग, प्रेफरेंस शेयर का अलग, डिबेंचर का अलग, सबका अलग अलग निकलता है। एंड यू हैव टू इन्फॉर्म ऑल द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स अबाउट सच फैसिलिटी। सबको बताना कि सुनो सुनो सुनो, सारे एग्जिस्टिंग वाले सुनो, हमने डीमैट करा लिया है और हमारा यही आईएसआईएन आ चुका है। नेक्स्ट, obligations of such company, which company? अरे unlisted public company जिसके बारे में बात चल रही है। आ जाओ, every such company shall ensure that it makes timely payment of fees। fees मतलब एक admission fee भी लगती है, एक annual fee भी लगती है, to the depository as well as registrar to an issue and share transfer agent। सर ये सारे काम करते हैं when the share, when the securities are dematerialized। तो इन parties को, depository को, registrar to an issue को, share transfer agent को, इन सबको आपको payment देनी है। एक होती है one time payment जो कि admission की होती है और एक annual basis पे चलती रहेगी। तो आप इनकी जो है वो payment करते रहना along as per the agreement which is executed between the parties। तो आपका जो भी agreement है उसके हिसाब से आप payment करो। नेक्स्ट, इट शुड मेंटेन सिक्योरिटी डिपॉजिट एट ऑल टाइम। सर सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब, अरे जब कोई बंदा रेंट पे रहता है वैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करता है, वैसे ही कंपनी को सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है। सर कितना? मिनिमम टू ईयर के फीस जितना। तो अगर एक साल की फी एग्जाम्पल, फॉर जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इफ इट इज 1000 rupees, देन 2000 rupees का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको मेंटेन करना है। किसके साथ? डिपॉजिटरी, रजिस्टर टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। अरे वही तीन लोग जिनके आप फीस पे कर रहे हो। और सर ये किस फॉर्म में मेंटेन करना है? एफडी फॉर्म में मेंटेन करना है या कोई और फॉर्म में मेंटेन करना है? तो इट शैल बी एज द फॉर्म व्हिच मे बी एग्रीड बिटवीन द पार्टीज। तो उन्होंने ओपन कर दिया, लॉ ने ओपन छोड़ दिया कि आप डिपॉजिटरी से बात कर लो, किस फॉर्म में मेंटेन करना चाहते हो। ओके, कंपनी शुड कंप्लाई विद द रेगुलेशन डायरेक्शंस इफ एनी इश्यूड बाय सेबी और डिपॉजिटरी फ्रॉम टाइम टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू डीमटेरियलाइजेशन एंड द इंसिडेंटल मैटर्स। ठीक है भैया, वो हम जो भी डायरेक्शन से रेगुलेशन से वो कंप्लाई कर लेंगे। इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट इन सब रूल 5, मतलब ये वाला, इसमें अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी, फीस वगैरह में आपने कोई गड़बड़ कर दी, फीस की पेमेंट में आपने कोई गड़बड़ कर दी, तो तीन एक्ट्स आपके प्रोहिबिटेड होंगे अंटिल एंड अनलेस द पेमेंट्स आर मेड। क्या क्या? ऑफर ऑफ एनी सिक्योरिटीज, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, बोनस और राइट शेयर्स। तो आपके मेन तीन काम, ऑफर करना, बायबैक करना, राइट्स या बोनस करना, ये चारों काम इन शॉर्ट आपके रोक दिए जाएंगे अंटिल एंड अनलेस यू रेगुलराइज योर डिफॉल्ट्स। नेक्स्ट,
application of some provisions, Depositories Act, SEBI Depository and Participant Regulations and SEBI Register to an Issue and Share Transfer Agent Regulations as it is लग जाएंगे. इसको बस आपको रट्टा मारना है, इन तीनों के नाम लर्न करने हैं. हाफ ईयरली फाइलिंग करनी पड़ती है विद द ROC. तो हर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ROC को फाइल करती है PAS 6. अच्छा, मैं क्या करने वाला हूं इस बार May 23 वालों के लिए, फाइनल वालों के लिए भी करने वाला हूं और आपके लिए इंटरमीडिएट वालों के लिए भी करूंगा, कि फॉर्म्स की एक समरी का वीडियो बनाऊंगा आपके लिए. ठीक है, तो आपको उसमें इजी रहेगा कि कंपनी लॉ में क्या क्या फॉर्म्स हमने पढ़े हैं. तो उसकी टेंशन मत लेना, अभी सिर्फ इतना ध्यान दो कि एक हाफ ईयरली रिटर्न फाइल होती है, हाफ ईयरली, दैट इज PAS 6. That is PAS 6. Sir, PAS क्यों? अरे प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. तो नोमेनक्लेचर जो होता है वो चैप्टर पे डिपेंड करता है. ठीक है, आप ROC को फाइल करोगे विद इन 60 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर. तो सितंबर और मार्च जब खत्म होएगा, एंड इट शुड बी ड्यूली सर्टिफाइड बाय CA और CS इन प्रैक्टिस. कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस यहाँ पे कवर्ड नहीं है. ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफ डिफरेंस. जैसे कंपनी ने जब अपना डीमटेरियलाइजेशन किया, तो हो सकता है कोई डिफरेंस आ जाए इन द इशूड कैपिटल एंड डीमटेरियलाइज सिक्योरिटीज. तो उसके अंदर कोई भी डिफरेंस है तो फटाफट से जाके डिपॉजिटर्स को बताना है. कब तक? फटाफट. अरे इंग्लिश में बताओ ना सर, इमीडिएटली. यही वर्ड आपको लर्न करना है, इमीडिएटली ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द डिपॉजिटरीज. कोई ग्रीवियंस रिड्रेसल हुआ, मतलब किसी का कोई दुख है, किसी का कोई कंप्लेंट है, उसको बोलेंगे तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के पास जा, एंड उसके बाद IEPF कोई एक्शन ले सकता है अगेंस्ट एनी पार्टी, प्रोवाइडेड इट टेक्स प्रायर कंसल्टेशन विद SEBI. क्योंकि सर सिक्योरिटीज के मामले में हमारा मेन बॉडी है SEBI, तो IEPF भी एक बार SEBI से बात करेगा एंड देन ही कोई एक्शन लेगा. सर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैंने स्टार मार्क कर रखा है कि दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू अ निधि गवर्नमेंट एंड अ होली ओन सब्सिडियरी. तो अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो कि एक निधि है, निधि के बारे में आपको ज्यादा भी नॉलेज की जरूरत नहीं है क्योंकि फाइनल का पार्ट है, सेक्शन 406 में आता है, गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 45 एंड होली ओन सब्सिडियरी मतलब पूरी की पूरी किसी और की है. तो इन तीनों कंपनीज को जो है ये डीमटेरियलाइजेशन, ये रूल नंबर 9 है, ये कुछ भी कंप्लायंस नहीं करना. कैसा लगा आपको यहां तक का कवरेज? हाँ सर, आगे बढ़ो. चलो सर, एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस. अगर आप अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, प्रोस्पेक्टस कहीं पे भी इशू कर रहे हो, तो आप अपने मेमोरेंडम के रिस्पेक्ट में कुछ कंटेंट्स यहाँ पे डिस्क्लोज करोगे, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, आपकी लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स बताओ, वेदर इट इज लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल गारंटी व्हाट एवर इट इज, आपका अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बताओ, नेम्स ऑफ सिग्नेटरीज बताओ एंड द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब फॉर बाय देम. डू यू रिमेंबर दिस दैट वी स्टडीड दैट दीज सब्सक्राइबर्स शुड टेक मिनिमम 1 share? हाँ सर, मिनिमम 1 share. ओके, एंड अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बताओ कि कितने शेयर है, कितने प्रेफरेंस शेयर है, वो सारी बातें. ओके, अब मेरा मुझे पानी पीने दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. अब एक बच्चा आया, बच्चा नहीं है सर, ये तो बड़ा लग रहा है. हाँ, मैंने कहा चलो ठीक है, बड़े साहब आए. इन बड़े साहब ने कहा सर आप एडवाइजर हो. उन्होंने कहा नेक्स्ट ईयर ना आवर कंपनी इज प्लानिंग टू इशू डिबेंचर्स 5 times, 5 बारी, तो वुड वी हैव टू इशू प्रोस्पेक्टस एवरी सच टाइम, क्या हर बार करें? मैंने कहा नहीं, आपके लिए कुछ लेके आते हैं, सेक्शन 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस. आपने एक प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ सुनी है सर? शेल्फ लाइफ मतलब बेस्ट बिफोर 9 months. तो एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी निकाल देते हम, उसकी भी एक बेस्ट लाइफ रख लेते, उसके बाद ये बासी हो जाएगा, उसको फेंकना पड़ेगा. हाँ सर, तो हियर कम द इंपॉर्टेंस ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस. सर लेमैन के टर्म्स में इट इज अ प्रोस्पेक्टस विद अ शेल्फ लाइफ, बट सर हम लेमैन थोड़ी है, हम तो CA स्टूडेंट है, तो हम इसको लीगली पढ़ते हैं. इट मीन्स अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयरिन आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन 1 or more इश्यूज ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस. अच्छा, सबसे पहले ध्यान देना ये डेफिनेशन किसने बोली आपको, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 31. तो इन शॉर्ट अगर मेरे 4 issues है, तो 4 issues के टाइम मुझे हर बार नया प्रोस्पेक्टस इशू देने की जरूरत नहीं है. आप फर्स्ट टाइम एक प्रोस्पेक्टस देना और इस प्रोस्पेक्टस की शेल्फ लाइफ रहेगी, तो एवरी नेक्स्ट इशू के टाइम आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज द कंसेप्ट विच इज नोन एज शेल्फ प्रोस्पेक्टस. आ जाओ जी, आ जाओ. फाइलिंग ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस विद द ROC. एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज द SEBI में प्रोवाइड बाय रेगुलेशन इन दिस बिहाफ विच बिहाफ फॉर द पर्पज ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस. अच्छा, तो सारी कंपनी शेल्फ प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर सकती? ना. SEBI जिसको बोलेगा वही इशू करेगी. सर किसको बोला अपने को लर्न करना है? नहीं करना, आप टेंशन मत ले, आपका ICAP से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा वो चीज. तो ऐसी कंपनीज दे मे, जबरदस्ती थोड़ी है सर, शेल नहीं बोल रहे, मे दे मे फाइल अ शेल प्रोस्पेक्टस विद द ROC. सर कब फाइल करेगा? अरे जब तेरा पहला ऑफर होगा. So file when at the stage of the first offer of securities included therein. और सर shelf life कितनी रहेगी? Best before 12 months, और we can say 1 year. Legally 1 year learn करते हैं. तो shelf life देखो इसकी, it shall indicate, it मतलब sir shelf prospectus, it shall indicate a period of not exceeding 1 year as the period of validity of such prospectus. और ये 1 साल का period कब से start होगा?
फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर दैट प्रोस्पेक्टस. जिस दिन आप फाइल कर रहे हो उस दिन से एक साल नहीं, जिस दिन आपका फर्स्ट ऑफर स्टार्ट हो रहा है, ओपन हो रहा है, उस दिन से एक साल आपको गिना जाएगा. सर एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि जो हमारा फर्दर इशू होगा उस टाइम आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर एक फाइलिंग करनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. तो ये सब सेक्शन 2 में आ जाओ कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का क्या मतलब है. सो अ कंपनी विच इज फाइलिंग अ शेल प्रोस्पेक्टस शेल बी रिक्वायर्ड टू फाइल अ डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड इट शुड कंटेन ऑल द मटेरियल फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू न्यू चार्जेस क्रिएटेड. सर चार्जेस के बारे में और चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है. तो एक आपने कोई नया चार्ज क्रिएट किया क्या, कोई सिक्योरिटी क्रिएट करी, और व्हाट आर योर चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन प्लस अदर प्रिस्क्राइब चेंजेस. तो ये दो तीन चीज आपको लर्न करनी है, चार्जेस, चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रिस्क्राइब चेंजेस. ये तीनों चीजें आपको डिक्लेयर करना है. सर आप ये कब बताओगे, कब मतलब कौन से पीरियड के लिए बता रहे हो? अरे आपका जो भी प्रीवियस ऑफर था. सर प्रीवियस और फर्स्ट क्यों लिखा है? अरे मतलब सेकेंड इशू के टाइम हम बोलेंगे फर्स्ट, और अगर थर्ड इशू है तो बोलेंगे प्रीवियस वाला. सो वॉट एवर योर प्रीवियस और फर्स्ट ऑफर इज एंड वॉट इज योर सक्सीडिंग ऑफर, इसके दौरान बीच में क्या क्या चेंजेस हुए वो आप डिक्लेयर करो, वो आप डिक्लेयर करो बाय फाइलिंग इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है. सर ये फाइल किसके साथ करोगे? अरे आरओसी के साथ करोगे विद इन प्रिस्क्राइब टाइम. और इसमें टाइमिंग क्या है, एग्जैक्टली टाइमिंग क्या है? प्रायर टू द इशू ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर दैट शेल प्रोस्पेक्टस. सर प्रायर सुनने से ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा बताओ ना इसके बारे में. रुको, रूल नंबर 10 में आने वाला है, 1 मंथ का टाइम पीरियड. प्रोविजो, सपोज देर इज सम मनी रिसीव्ड बिफोर चेंज. इफ अ कंपनी और एनी अदर पर्सन हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अलोंग विद एडवांस पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बिफोर मेकिंग ऑफ एनी सच चेंज. मतलब वो फाइनेंशियल पोजीशन या चार्जेस में ना कोई चेंज करने वाला था, वो कंपनी जिसने शेल प्रोस्पेक्टस फाइल करा है, बट उस चेंज को करने से पहले किसी ने एडवांस मनी दे दिया, राइट. अब उसको पता नहीं अभी चेंज हो गया है, तो इस कंपनी या उस पर्सन की, सर एनी पर्सन क्यों लिखा है? अरे कोई पर्सन कंपनी के बिहाफ पे पैसा उठा रहा है, कंपनी का कोई इंसान है, तो इनको इनकी ड्यूटी क्या बनती है? दे हैव टू इंटीमेट द चेंजेस टू सच एप्लीकेंट. सच मतलब जिन्होंने एडवांस मनी दिया, उसको बोलेंगे भाई सुन ना, तूने एडवांस मनी दिया बट हमारे कंपनी में ना ऐसा ऐसा चेंज हो चुका है. सो नाउ यू हैव एन ऑप्शन दैट इफ दे एक्सप्रेस अ डिजायर टू विदड्रॉ देयर एप्लीकेशन. अगर तेरा मन है चेंजेस को सुन के तेरे को कुछ विदड्रॉ करने की अपनी एप्लीकेशन, तो बता दे. अगर तू हाँ बोल देगा तो वी विल विदड्रॉ इट, वी विल रिफंड ऑल द मनी विद इन 15 days, ठीक है. हाँ सर. So if this happens, the company or other person जिसने पैसा उठाया, the company or other person क्यों, जिसने पैसा उठाया, so the company or other person shall refund all the money received as subscription within 15 days. Sir, normally, logically 15 days कब से गिनेंगे? Sir, जब से उसने withdrawal का express किया होगा कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे withdraw करो, I don't want the securities, ये change देख के मैंने अपना मन बदल दिया है, ठीक है. सर अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टस व्हेन देयर इज अ केस ऑफ शेल प्रोस्पेक्टस, देन यू विल से शेल प्रोस्पेक्टस प्लस मेमोरेंडम फाइल, दिस इज टुगेदर नोन एज प्रोस्पेक्टस. तो आपका शेल प्रोस्पेक्टस तो एक ही बार फाइल होगा, आपका शेल प्रोस्पेक्टस तो वन टाइम फाइल होगा, और आपका इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आगे ड्यूरिंग ईच इशू फाइल करता जाएगा, ठीक है. हाँ सर. तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि सर शेल प्रोस्पेक्टस के केस में प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो बोलोगे शेल प्रोस्पेक्टस प्लस योर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, दिस इज टुगेदर नोन एज प्रोस्पेक्टस. ओके सर, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के रिस्पेक्ट में दो पॉइंट्स. इसका फॉर्म कौन सा यूज किया जाता है? फॉर्म PAS2 यूज किया जाता है. और मैंने आपको बोला ना कि ये प्रायर कितना प्रायर फाइल करना है, 1 month प्रायर फाइल करना होता है, ठीक है. आपका जो भी सेकेंड या सब्सिक्वेंट इशू है उसके 1 month पहले आप जो है ये PAS2 इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आप फाइल कर दो. नेक्स्ट आ जाते हैं सर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर 32. ये दोनों सेक्शन में से बहुत ही ईजी सवाल आते हैं, तो एकदम अच्छे से करना, यहां से बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको. सर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? अगर मेरे प्रोस्पेक्टस में एक सिक्योरिटी का प्राइस एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, अगर मैं ये नहीं देता, दिस इज नोन एज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. सर क्यों नहीं देते? सपोज मेरी कंपनी है और मुझे नहीं पता कि मेरे कंपनी के सिक्योरिटीज की डिमांड कितनी आने वाली है या लोग कितना प्राइस पे करने के लिए रेडी है, तो हम इशू कर देते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. देखते कितनी डिमांड आ रही है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंड प्राइस पर सिक्योरिटी फाइनलाइज कर लेंगे, क्या बड़ी बात है, ठीक है. सो प्राइस पर सिक्योरिटी एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इज ओपन टू बी डिसाइडेड. तो ऑप्शन विद द कंपनी, सब सेक्शन 1, ऑप्शन विद द कंपनी विच इज प्रपोजिंग टू मेक एन ऑफर फॉर सिक्योरिटीज, इट मे इशू अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रायर टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ऐसा नहीं हो रहा है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा है तो मेन प्रोस्पेक्टस नहीं इशू होगा. नहीं, आपका मेन प्रोस्पेक्टस इशू होगा, उससे पहले आप एक और फाइलिंग करते हो, एक और इशू करते हो, विच इज नोन एज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है सर.
सबसेक्शन टू, ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपको आरओसी को इश्यू करना है कब, एटलीस्ट 3 डेज प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड द ऑफर। तो आप जब ये ऑफर ओपन करने वाले हो ना, जिस ऑफर के थ्रू आपको आइडिया लगने वाला है कि डिमांड कितनी है, उसके एटलीस्ट तीन दिन पहले आप आरओसी को इसकी कॉपी डिलीवर कर देना, इसकी फाइलिंग कर देना, ताकि उसको पता हो कि ऐसा ऐसा प्रोस्पेक्टस इशू किया जा रहा है। ओके, ऑब्लिगेशंस अंडर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विजाविस प्रोस्पेक्टस। तो सर, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में सारी ऑब्लिगेशंस, एवरीथिंग इज सेम एज अ प्रोस्पेक्टस। सिर्फ दो फर्क है, क्या, कि आप प्राइस पर सिक्योरिटी नहीं बता रहे हो और आप टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज नहीं बता रहे हो, बाकी इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। सो अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस शैल कैरी द सेम ऑब्लिगेशंस एज आर एप्लीकेबल टू अ प्रोस्पेक्टस। एग्जांपल दो, हां सर दो, सेक्शन 26 में पढ़ा ना, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस, दैट सेक्शन 26 विल अप्लाई टू अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आल्सो। सारा स्टेटस सेम है, बस दो फैक्ट्स मिसिंग है। एंड वेरिएशंस इफ एनी, दैट इज एनी वेरिएशन बिटवीन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड प्रोस्पेक्टस शैल बी हाईलाइटेड as variations in the prospectus। अब सपोज आपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस निकाला, बाद में प्रोस्पेक्टस निकाला, तो इसमें अगर आपकी कोई वेरिएशन है तो आप प्रोस्पेक्टस में बता देना, और सिर्फ बताना मत, हाईलाइट कर देना कि भैया ये फर्क है, रेड हेरिंग में मैंने कुछ और लिखा था, प्रोस्पेक्टस में मैंने कुछ और लिखा है। ठीक है, जब आपका पूरा ऑफर क्लोज हो जाएगा, तब अब आपके नंबर ऑफ सिक्योरिटीज और प्राइस पर सिक्योरिटी भी फाइनलाइज हो जाएंगे, वो सारी डिटेल्स मिला के जो आपका फाइनल प्रोस्पेक्टस है वो आपको आरओसी और सेबी के साथ जो है वो फाइल कर देना है। राइट, सो अपॉन क्लोजिंग ऑफ द ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर दिस सेक्शन द फाइनल प्रोस्पेक्टस, आप एक एक वर्ड ढंग से यूज करना, मैं यहाँ पे फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल कर रहा हूं। ठीक है, तो फाइनल प्रोस्पेक्टस स्टेटिंग टोटल कैपिटल रेस बाय वे ऑफ डेट और शेयर कैपिटल एज वेल एज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर डिटेल्स दैट वर नॉट इंक्लूडेड इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, पूरा कंप्लीट करो, अपडेट करो और जाके आरओसी एंड सेबी के पास फाइल कर दो। ठीक है, लीगल मीनिंग ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वही है कि वही प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर बस आपने दो डिटेल नहीं दी, क्या, क्वांटम एंड प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब टोटल सिक्योरिटीज एंड प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, और वही चीज मैंने आपको यहां पे ऑलरेडी जो है बता दी है। क्या ये बात आपको समझ में आई है? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल टू बी डीम प्रोस्पेक्टस। इस सेक्शन में थोड़ा बच्चों को क्वेरीज आती है, मुझे ऑलरेडी आ चुकी है, तो डोंट वरी, मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा एक हैंड रिटन नोट ऑलरेडी बना दिया है। तो पहले इसको लीगली पढ़ते हैं ताकि एक बेस बन जाएगा, फिर हैंड रिटन से एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है अपना। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, विच डॉक्यूमेंट्स आर डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस। सर, इसमें हो क्या रहा है? इसमें ऐसा हो रहा है कि एक डॉक्यूमेंट इश्यू किया जा रहा है जिसको कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं बोल रही, बट हम उसको प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। आई होप इट इज क्लियर। आओ, वेयर अ कंपनी अलॉट्स और एग्रीज टू अलॉट एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी विद द एम, मतलब उसका एंड गेम क्या है, विद अ व्यू टू ऑल और एनी ऑफ दोस सिक्योरिटीज बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक। मतलब आज तो एक डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है, आज तो उसको प्रोस्पेक्टस नहीं बोल रहा, लेकिन तेरा एंड गेम यही है कि ये सिक्योरिटीज पब्लिक के पास जानी चाहिए, तो बेशक तू उसको प्रोस्पेक्टस नहीं बोलता, एनी डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक इज मेड शैल फॉर ऑल द पर्पसेस बी डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस इश्यूड बाय कंपनी। सो इन शॉर्ट, डोंट प्ले स्मार्ट, आपका उस डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। सर, वैसे क्या रीजन रहा होगा कि कंपनी कह रही है कि ये प्रोस्पेक्टस नहीं है? अरे मेरे भाई, प्रोस्पेक्टस जब आ जाती है ना चीज, तो प्रोस्पेक्टस के कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, जैसा ऊपर हमने सेक्शन 26 पढ़ा। तो कंपनी चाह रही है कि यार ये तो प्रोस्पेक्टस है ही नहीं, अरे लेकिन उसका एंड गेम यही है कि पब्लिक के पास जा रही है सिक्योरिटीज, तो इट इज ट्राइंग टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द कंप्लायंस ऑफ प्रोस्पेक्टस प्रोविजंस। ठीक है, ओके, तो अब अगर ऐसा हो गया तो लीगल प्रोविजंस क्या लगेंगे? ऑल द लीगल प्रोविजंस एंड लायबिलिटीज एज टू द कंटेंट, मिसस्टेटमेंट, ओमिशन शैल अप्लाई विद द मॉडिफिकेशन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 एंड 4, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, एंड ऑल दीज वर अप्लाई एज इफ द सिक्योरिटीज हैड बीन ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एंड द पर्संस एक्सेप्टिंग द ऑफर वर सब्सक्राइबर्स फॉर दोस सिक्योरिटीज। तो सारे के सारे प्रोविजंस ऐसे ही माने जाएंगे कि जैसा सिक्योरिटीज हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं और लेने वाले जो है वो सब्सक्राइबर्स है। तो अब आप पहले कोशिश कर रहे थे इस चीज से हटने की, लेकिन नहीं चलेगा साहब, अब आप प्रोस्पेक्टस का कंप्लायंस करो। बट दिस शैल हैव नो इंपैक्ट ऑन द लायबिलिटीज ऑफ मिसस्टेटमेंट कंटेंड इन द डॉक्यूमेंट और अदरवाइज ऑफ द पर्संस बाय हुम द ऑफर इज मेड। मतलब जिन्होंने ऑफर किया वहां पे अगर कोई मिसस्टेटमेंट आ गया तो उसकी लायबिलिटी तो इंटैक्ट रहेगी, वो तो लायबल आप रहोगे रहोगे, लेकिन हम अब क्या कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस का स्टेटस दे दो। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा सर कि ऐसा क्या कंडीशंस आई होंगी विच विल बी एविडेंस दैट एन अलॉटमेंट और इट्स एग्रीमेंट ऑफ सिक्योरिटीज वॉज विद अ व्यू ऑफ बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक। मतलब ऐसा क्या होगा जिसके थ्रू आप ये बोलोगे कि कंपनी का जो व्यू है या कंपनी का जो गेम है, जो फाइनल एम है, दैट इज कि सिक्योरिटीज सारी की सारी या एनी पब्लिक के पास जाए। तो दो कंडीशंस आपको चेक करनी है।
क्लॉज ए और क्लॉज बी अंडर सबसेक्शन 2, इन दोनों में से कोई भी एक हिट कर जाए तो मान लेंगे कि यह सेक्शन लग रहा है। तो सर इसका मतलब आप अजम्पशन ले रहे हो। हाँ मैं अजम्पशन ले रहा हूं, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। तो आप प्रूव करो कुछ और, लेकिन नहीं तो फिर हम ये चीज मान लेंगे। क्या? इफ इट इज शोन दैट एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और एनी ऑफ देम फॉर सेल टू द पब्लिक वॉज मेड विद इन 6 months आफ्टर अलॉटमेंट और एग्रीमेंट टू अलॉट। मतलब आप जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू अलॉटमेंट या एग्रीमेंट टू अलॉट कर रहे हो उसके विद इन 6 months आप वही सिक्योरिटीज पब्लिक को दे रहे हो। इसका मतलब आप बीच में ये नाटक कर रहे थे डॉक्यूमेंट का, ये एक्चुअल में आपको पब्लिक को ही देनी थी। सो 6 months लॉ एक पीरियड लेके चल रहा है। 6 months बात करते हो तो हम इसके अंदर अपना सेक्शन 25 नहीं लगाएंगे, डीमिंग प्रोस्पेक्टस प्रोविजन नहीं लगाएंगे। और दैट एट द डेट वेन द ऑफर वॉज मेड डॉक्यूमेंट वाला द होल कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज हैड Not been received by it। अच्छा 100 रुपए मिलना था, पूरा नहीं लिया आपने, 80 लिया, 20 कम क्यों लिया? क्योंकि आपके दिमाग में है ये सिक्योरिटीज आगे पब्लिक को देना है और उनसे पैसा मिलेगा पूरा। तो इसका मतलब आप जो गड़बड़ कर रहे हो, आप जो ये डॉक्यूमेंट का नाम दे रहे हो लेकिन असली में आपको प्रोस्पेक्टस ही इशू करना था, असली में ये सिक्योरिटीज पब्लिक के पास जानी थी करके। ठीक है? हाँ सर। इफेक्ट ऑफ सेक्शन 26 matters to be stated in prospectus, जो हमने section 26 पढ़ा, as applied by section 25, shall have effect as if it required a prospectus to state two additional matters। तो हम section 26 को उठाएंगे और यहाँ पे पटक देंगे। सर क्यों? अरे इस document को deem prospectus बोल दिया, तो section 26 जो prospectus पे लगता है उसको लगा दो इसके ऊपर। प्लस हम मान लेंगे कि दो additional matters आपको prescribe करने थे। क्या? First total consideration, so the net amount of consideration received or to be received in respect of those securities to which the offer relate। आप ये भी disclose करो कि आपको securities के respect में consideration कितना मिलना था, and उस वो जो contract है ना जिसके through आप offer कर रहे हो या agreement to offer कर रहे हो या फिर agreement to allot कर रहे हो, उस contract का inspection कहाँ किया जा सकता है, आप ये भी disclose करो। So the time and place at which the contract were under the said securities have been or are to be allotted or may be inspected। ठीक है? To be allotted, may be inspected। मतलब आपका कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा ना जिसके अंदर आप अलॉट कर रहे हो, या तो आप आगे एग्रीमेंट कर रहे हो कि हम आगे अलॉट कर देंगे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का इंस्पेक्शन अलाउ करो और उस इंस्पेक्शन के बारे में टाइम एंड प्लेस हमें प्लीज जरा बता दो। ठीक है? क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम दैट द persons who are making this offer were persons named in a prospectus as directors of the company। तो हम मान लेंगे कि इस डॉक्यूमेंट का ऑफर जिन्होंने किया है they are named as directors in the company। असली में है या नहीं हमें नहीं पता, हम डीमिंग प्रोविजन लगा रहे हैं, एज इफ मतलब डीम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं। ठीक है? तो सर एक बार ये साइनिंग वाला बस पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको हैंड रिटन से कराता हूं, इतना सा भी डाउट है ना तो वो भी क्लियर करवा दूंगा हैंड रिटन नोट से। आज साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट अंडर सबसेक्शन 1 इन केस ऑफ कंपनी और फर्म, इट शल बी सफिशियंट इफ इट इज साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बाय 2 directors। तो कंपनी अगर इशू कर रही है तो 2 directors से साइन करा लेना, फर्म इशू कर रही है तो मिनिमम 1/2 ऑफ द पार्टनर्स, तो चाहे 20 partners हो तो फिर 10 partners से साइन करा लेना हाफ वाले। अब सर आ जाओ जरा इस हैंड रिटन नोट पे, ये आपको मिलेगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, पूरा ध्यान याद हो, कुछ नहीं लिखना, ध्यान से जो मैं ऑर्डर बता रहा हूं उसी में समझना, दिमाग एकदम खुला। सेक्शन 25 डीम प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, कंपनी ने बोला, कंपनी इज ट्राइंग टू प्ले स्मार्ट, कंपनी कह रही है ना 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 ये प्रोस्पेक्टस नहीं है, ये तो डॉक्यूमेंट है, दिस इज नॉट अ प्रोस्पेक्टस, सो वी वोंट कंप्लाई विद द प्रोस्पेक्टस प्रोविजन। ठीक है? मैंने कहा इस डॉक्यूमेंट में लिखा क्या है जरा बताओ, इस डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ लिखा है जिससे कंपनी अलॉट्स और एग्रीज टू अलॉट एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, सो एनी भी कवर है, ऑल और एनी any securities of the company with a view, मतलब इसका end game क्या है? End game है कि all or any of those securities being offered for sale to the public। अच्छा, public के पास जाने वाली securities और prospectus आप बोलने से इनकार कर रहे हो क्योंकि compliance करना पड़ेगा। ठीक है? तो अब conclusion ये लगा दो कि इस document को हम prospectus मान लेंगे, लगाओ section 26, लगाओ सारे provisions prospectus के। ठीक है? अब सवाल आता है सर ये कैसा मान लेंगे हम, ये कब मान लेंगे कि ये व्यू है? तो देखो, हाउ टू अज्यूम दिस व्यू, इधर ऑफ द 2 circumstances, बीच में और है। फर्स्ट, ऑफर ऑफ ऑल और एनी ऑफ द सिक्योरिटीज टू द पब्लिक इज मेड विद इन 6 months ऑफ द अलॉटमेंट और एग्रीमेंट टू अलॉट। अच्छा, आज डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करके विद इन 6 months आप पब्लिक के पास ही दे रहे हो, तो इन शॉर्ट हम मान लेंगे कि ये 6 months का पीरियड है जिसके अंदर आप ये गड़बड़ करने वाले हो। और ऑन द डेट ऑफ ऑफर होल कंसिडरेशन इज नॉट रिसीव्ड, 100 का 80 रिसीव कर रहे हो, 100 का 70 रिसीव कर रहे हो, इसका मतलब आपका एक्चुअल में एंड गेम है ये चीज आगे जाना टू द पब्लिक, राइट? एंड बिकॉज दिस इज एन अजम्पशन वी विल से अनलेस प्रूव्ड कॉन्ट्रारी,
क्या ये बात आपको समझ में आई है? आई होप सिंसियरली होप आपको समझ में आई है। नहीं आई तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा और इसका मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपने वाले ऑडियो नोट भी डालूंगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, ठीक है। हाँ सर, आ जाओ जी आगे। ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी, तो मेंबर्स के पास एग्जिस्टिंग शेयर्स है, वो कह रहे हैं आप इसको पब्लिक में भेज दो, हमें कोई इशू नहीं है। सो ओएफएस बाय एग्जिस्टिंग मेंबर इज परमिटेड वेयर सर्टेन मेंबर्स ऑफ अ कंपनी प्रपोज इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड, वो बोर्ड के साथ कंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि ठीक है या तो हमारा पूरा का पूरा होल्डिंग या तो पार्ट ऑफ होल्डिंग हम पब्लिक को देने के लिए रेडी है, तो ऐसा किया जा सकता है प्रोवाइडेड इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ऊपर भी यही वाली बात बोली, तो प्रोसीजर एंड लॉ जो भी प्रिस्क्राइब है उसके हिसाब से आप करना। स्टेटस ऑफ सच डॉक्यूमेंट थ्रू विच दिस ऑफर इज मेड, अरे यार जो तेरा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू तू पब्लिक को दे रहा है उस डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस का ही स्टेटस देंगे, जैसा ऊपर सेक्शन 25 में काइंड ऑफ वैसा ही पड़ा, तो आप इसको प्रोस्पेक्टस ही मानो और सारा कंप्लायंस करो, ठीक है सर। एक सेकेंड, ये हाँ आगे आगे आ जाओ। ऑथराइजेशन बाय द होल्डर्स ऑफ दोज एग्जिस्टिंग शेयर्स विच शैल बी ऑफर्ड फॉर सेल, अब इसमें क्या हो रहा है, द मेंबर्स इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट जिनके वो शेयर्स है whose shares are being proposed to be offered to the public, वो उस कंपनी को जिस कंपनी के शेयर्स ऑफर होने वाले हैं उसको एक कलेक्टिव ऑथराइजेशन देंगे, वो एक कलेक्टिव ऑथराइजेशन देंगे सर किस चीज का, टू टेक ऑल द एक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ओएफएस फॉर एंड ऑन देयर बिहाफ। सर क्यों, अरे भाई शेयर तेरे है ना लेकिन कंपनी काम कर रही है, तो कंपनी को ऑथराइजेशन दे दो कि ये सारा का सारा काम ओएफएस का आप करो एंड जो भी खर्चा होगा हम पे कर देंगे। सो दे शैल रीइंबर्स द कंपनी ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय इट ऑन दिस मैटर। एक्सेप्शंस, जो पब्लिक ऑफर के हम प्रोविजंस पढ़ते हैं अभी नीचे और भी पढ़ाऊंगा, दे शैल बी एप्लीकेबल ऑन ओएफएस एक्सेप्ट फॉर दीज फोर, क्या क्या, फर्स्ट प्रोविजंस रिलेटिंग टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू। अरे मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब मिनिमम आपके इतने शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए और मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू मतलब नीचे पढ़ाऊंगा अभी 5% का मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू आना चाहिए, तो 100 रुपए का शेयर है तो ₹5 आपका एप्लीकेशन वैल्यू आना चाहिए। तो ये दोनों चीजें तब लगती है जब पब्लिक को पैसा जाता है एंड कंपनी पब्लिक से पैसा उठाया जाता है बाय द कंपनी, बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तो मेंबर्स अपने शेयर्स ऑफलोड कर रहे हैं, कंपनी तो एजेंट की तरह काम कर रही है, तो इसीलिए ये दोनों प्रोविजंस नहीं लगेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रोविजंस रिक्वायरिंग एनी स्टेटमेंट टू बी मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, अरे इसके अंदर पैसा कंपनी के पास आ ही नहीं रहा है, कंपनी के पास तो पैसा आ ही नहीं रहा है सर, किसके पास आ रहा है, अरे उन मेंबर्स के पास आ रहा है जो अपने शेयर्स को ऑफर कर रहे हैं टू द पब्लिक, तो वो उस पैसों का क्या करेंगे, वो उनकी हेडेक है। यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों कोई स्टेटमेंट देंगे विद रिस्पेक्ट टू द यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, नॉट एप्लीकेबल। एंड एनी अदर प्रोविजन और इन्फॉर्मेशन विच कैन नॉट बी कंपाइल्ड और गैदर्ड बाय द ऑफरर विद डिटेल्ड जस्टिफिकेशन फॉर नॉट बीइंग एबल टू कंप्लाई विद सच प्रोविजन, कोई और भी इंफॉर्मेशन है जो वो बंदा नहीं दे सकता ड्यू टू सम जेन्युइन रीजंस, तो वो उसकी जस्टिफिकेशन दे दे और वो बोल देगा आई कैनॉट गैदर आई कैनॉट कंपाइल। सर क्योंकि ये कंपनी नहीं है ना, वो इंसान है, वो मेंबर है, तो वो हो सकता है इतना डिटेल में इंफॉर्मेशन गैदर ना कर पाए, राइट तो उसका भी चल जाएगा, थोड़ा डिस्क्लोजर नहीं दिया तो आपने चल जाएगा। डिस्क्लोज हु इज बियरिंग द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोसेस एंड रीजंस, द प्रोस्पेक्टस इशूड अंडर सेक्शन 28 शुड डिस्क्लोज द नेम ऑफ द पर्सन और persons और एंटिटी बियरिंग द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ओएफएस अलॉन्ग विद रीजंस, ओएफएस का खर्चा कौन बियर कर रहा है और क्यों बियर कर रहा है ये आपको बताना है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 27 वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट इन प्रोस्पेक्टस, सर मतलब आपने बोला कि अब हमें एक फैक्ट्री शुरू करनी है लेट्स से मध्य प्रदेश में, उसके लिए हम पैसा उठा रहे हैं, कल को आप बोल रहे हो नहीं नहीं ये पैसा इस चीज के लिए नहीं लेना हम किसी और के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है सर, आप डिस्क्लोजर दो उसके लिए आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद दैट आपको एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी इंक्लूडिंग द जस्टिफिकेशन कि आप अपना टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स ऑफ इशू चेंज कर रहे हो, तो ये बताना पड़ेगा। आ जाओ, कैन कंपनी वेरी इट्स टर्म्स एंड ऑब्जेक्ट इफ यस हाउ, सो अ कंपनी शैल नॉट एट एनी टाइम वेरी द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर्ड इन प्रोस्पेक्टस और ऑब्जेक्ट फॉर विच द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू अप्रूवल एंड अथॉरिटी बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो आप जो अभी आपके मेंबर्स है ये आपको पैसा दे के मेंबर बने ना, इन्होंने सिक्योरिटीज लिए ना आपकी शेयर्स लिए, तो आप उनसे 75% मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन लो एंड देन आप चेंज कर लेना। फर्स्ट प्रोविजो जस्टिफिकेशन डिस्क्लोजर, ये क्या कह रहा है देखो, प्रिस्क्राइब डिटेल्स ऑफ द नोटिस ऑफ सच रेजोल्यूशन टू द शेयर होल्डर, आप जो एसआर पास करने के लिए नोटिस दोगे उसकी डिटेल शैल ऑल्सो बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर एक इंग्लिश और एक लोकल मतलब वर्नाक्युलर न्यूज लैंग्वेज, और ये कहां पे दोगे, ये न्यूज़पेपर कहां का, सिटी वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड एंड यू ऑल्सो हैव टू इंडिकेट क्लियरली द जस्टिफिकेशन फॉर वेरिएशन। आप बताओ कि सर हम जो मध्य प्रदेश में कुछ फैक्ट्री लेने वाले थे वहां पे ये प्रॉब्लम है इसीलिए आज हम चेंज करके यहां जा रहे हैं, तो ऐसे मत बोलो हमने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दिए, रीजन दे दो भाई, जस्टिफिकेशन दो, राइट। नेक्स्ट
Second proviso, total prohibition for some uses. Such company shall not use any amount raised to prospectus. अगर आप prospectus से कोई पैसा उठा रहे हो, you cannot use it for buying, trading or otherwise dealing. मतलब सब कुछ रोक दिया, buy मत कर, sell मत कर, कुछ भी deal मत कर in equity shares of other listed company. अब इसमें दो बातें ध्यान रखनी, यहाँ पे इक्विटी शेयर बोला है, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर नहीं बोला, और एनी अदर लिस्टेड कंपनी बोला है, अनलिस्टेड नहीं बोला. छोटी छोटी बातें हैं, एमसीक्यू में आ सकती है. अब ये बड़े गुस्सा हो रखा है सबसेक्शन टू में. मैंने कहा कौन है भाई तू? कह रहा है सर मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं और मुझे नहीं मंजूरी है. ये जो प्रोस्पेक्टस के टर्म्स चेंज कर रहे हैं, इशू चेंज, जो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू है ये चेंज कर रहे हैं, आई डोंट लाइक. मैंने कहा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहा है तेरे को, एग्जिट ऑफर दिलवा देता हूं. सो द डिसेंटिंग शेयर होल्डर, डिसेंटिंग मतलब हु आर नॉट एग्रीइंग टू द प्रपोजल टू वेरी द ऑब्जेक्ट और टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, उसको बोलेंगे ठीक है भाई यू विल बी गिवन एन एग्जिट ऑफर. एग्जिट ऑफर मतलब तू अपने शेयर्स बेच के चले जा, एग्जिट ले ले, टाटा बाय बाय खत्म. तो ये एग्जिट ऑफर किस कौन देगा? प्रमोटर और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, ठीक है. एंड इट शेल बी एट सच एग्जिट प्राइस एंड इन सच मैनर एंड कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी रेगुलेशंस. क्लियर? तो ये प्रॉपर एक एग्जिट प्राइस निकाली जाएगी एज पर सेबी रेगुलेशंस. रूल नंबर 7 विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएशन, आप जो ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओगे वो पोस्टल बैलेट से कराओगे, और उस स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए आप जो नोटिस दोगे उसमें सारी डिस्क्लोजर देना कि मेरा एग्जिस्टिंग इशू क्या था, मेरा वेरिएशन क्या है, मेरा जस्टिफिकेशन क्या है, मेरा ओरिजिनल पर्पस क्या था, न्यू पर्पस क्या है, और उसकी एक लिस्ट है पेज 3.21 पे मटेरियल की, आप उसको एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है. एडवर्टीजमेंट का फॉर्म जो है आप न्यूज़पेपर में जो देते हो दैट इज PAS1 एंड सच एडवर्टीजमेंट शल बी पब्लिश साइमल्टेनियसली विद द डिस्पैच ऑफ पोस्टल बैलेट नोटिसेस टू द शेयर होल्डर. तो कोई पूछेगा कि आपको ये एडवर्टीजमेंट कब पब्लिश कराना है, तो जिस दिन आप पोस्टल बैलेट के नोटिसेस शेयर होल्डर्स को दोगे ना फॉर द पर्पस ऑफ SR, उसी दिन आपको ये जो है इमीडिएटली पब्लिश करवा देना है थ्रू एडवर्टीजमेंट, राइट, एक इंग्लिश और एक वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर में. प्लस यू हैव टू प्लेस द नोटिस ऑन द वेबसाइट ऑल्सो इफ एनी. आई होप इफ एनी से आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, वेबसाइट इज नॉट मैंडेटरी, तो आपकी कोई वेबसाइट है तो उस पर भी नोटिस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन लगा देना. सेक्शन नंबर 40 सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद इन अ स्टॉक एक्सचेंज. सब पब्लिक ऑफर करने वाले हो तो सिक्योरिटीज डील होंगी सब, जैसे आज की इसमें NSE BSE वगैरह में डील करी जाएंगी, राइट. सो एवरी कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर शैल मेक एन एप्लीकेशन एंड ऑब्टेन परमिशन फॉर सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद इन सच स्टॉक एक्सचेंज. सर कौन से स्टॉक एक्सचेंज? आप एक में कर सकते हो या दो में भी कर सकते हो, सर आपकी मर्जी. सो यू हैव टू मेक एप्लीकेशन इन वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जैसे आप NSE में ले लो और BSE में ले लो, ठीक है. एक पेपर में सवाल आया था आपके इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में, उन्होंने कहा था कि एक कंपनी ने 3 जगह एप्लीकेशन करी है लेकिन 2 जगह से ही अप्रूव हुई है, तो क्या इसमें कुछ गड़बड़ हुई? हाँ हुई, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने दो प्रोसीजर्स आर बीइंग सीन. फर्स्ट यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन एंड सेकेंड यू हैव टू ऑब्टेन द परमिशन. मतलब सिर्फ एप्लीकेशन देना इंपॉर्टेंट नहीं है, परमिशन लेना भी इंपॉर्टेंट है. और ये परमिशन लेना और एप्लीकेशन देना ये कब करना है? बिफोर यू मेक द पब्लिक ऑफर, क्योंकि पब्लिक ऑफर के बाद तो सिक्योरिटीज की लिस्टिंग हो जाएगी. क्लियर है? हाँ जाओ आ जाओ. प्रोस्पेक्टस में यू हैव टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज वेर एवर यू हैव मेड द एप्लीकेशन. तो आप बताओगे कि NSE में, BSE में, आप नाम बताना कि वहां पर मैंने एप्लीकेशन जो है वो कर रखी है. नेक्स्ट, मनी रिसीव फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज वेयर टू कीप एंड व्हाट टू यूज इट फॉर. तो कहां रखोगे? आप शेड्यूल्ड बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में रखोगे. आपका डे टू डे अकाउंट जो है वहां पे आप पैसा नहीं रख सकते, और आप जो है सिर्फ दो पर्पस के लिए पैसा यूज कर सकते हो. फर्स्ट, एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट, मतलब यू अलॉट द शेयर्स, आप उसका पेडअप कैपिटल बढ़ा दो. अरे मतलब 2 रुपए रिसीव किया तो 10 में से 2 पेडअप दिखा देना. यू यूज द मनी फॉर अलॉटमेंट, और किसी रीजन की वजह से अगर आप अलॉटमेंट नहीं कर पा रहे हो तो यू हैव टू रीपे दिस मनी टू द एप्लीकेंट्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय सेबी इफ यू आर नॉट एबल टू गो अहेड विद द अलॉटमेंट. तो या तो अलॉटमेंट के लिए यूज करो या रिफंड करो. ये नहीं उस पैसों से आप छुट्टी बना रहे हो, आप गाड़ी खरीद रहे हो, प्रमोटर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा. नेक्स्ट, सबसेक्शन 4, एनी कंप्लायंस वेयर वेवर शैल बी वॉइड. तो एनी कंडीशन परपेटिंग टू रिक्वायर और बाइंड एनी एप्लीकेंट टू वेव कंप्लायंस विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन शैल बी वॉइड. सर एग्जांपल दो ना. आपने एक एप्लीकेंट से साइन करवा लिया कि तेरा वाला जो पैसा है ना वो मैं एम्प्लॉइज के छुट्टी के लिए यूज करूंगा, उनको मैं कहीं बाहर लेके जाऊंगा. नहीं साहब, नहीं चलेगा. आप उसको वेव करवा रहे हो कंप्लायंसेस और क्लियरली बता रखा है कि पैसा किस चीज के लिए यूज करना है, सो दैट इज वॉइड. ठीक है, आगे सबसेक्शन 5 इज पेनल्टी, उसको हम पेनल प्रोविजंस में लेंगे. कमीशन पेमेंट अलाउड. आपको पता है ना अंडर राइटर होते हैं. सर अंडर राइटर मतलब बेसिकली दे हेल्प यू टू ऑफर
टू सेल द सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, और अगर पब्लिक के पास वो चीज नहीं जा पाती है तो वो आपसे कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट देते हैं कि वो सिक्योरिटीज वो खरीद लेंगे, तो कंपनी थोड़ी सी चिंता मुक्त हो जाती है कि चलो ठीक है, जो है मेरा जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीट हो जाएगा, शेयर पब्लिक, जो सिक्योरिटीज है वो पब्लिक के पास चले जाएंगे करके, ठीक है। अब ध्यान से, अ कंपनी मे पे कमीशन टू एनी पर्सन, तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि सर अंडर राइटिंग कमीशन अलाउड है क्या कंपनीज एक्ट में, तो आप बोलोगे यस अलाउड है, सेक्शन नंबर 40 सबसेक्शन 6 में अलाउड है, ठीक है। ये कमीशन किस चीज के लिए करी जा रही है, इन कनेक्शन विद सब्सक्रिप्शन टू इट सिक्योरिटीज, बट दिस इज सब्जेक्ट टू रूल नंबर 13। सबसे पहला रूल नंबर 13 का कंडीशन कि ये जो कमीशन है ना, ये आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज होनी चाहिए। अगर आर्टिकल्स में ऑथराइज नहीं है तो आप सेक्शन 14 पास करो और अपने आर्टिकल्स को अमेंड कराओ। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ फंड, आप ये जो फंड्स पे कर रहे हो, आप जो उसको कमीशन पे कर रहे हो, ये कहां से पे कर रहे हो, यू कैन यूज द प्रोसीड्स ऑफ इशू, ये इशू वही है जिसके कनेक्शन में आप पेमेंट कर रहे हो अंडरराइटर को, या फिर यू कैन यूज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, और बोथ। कल को आपको सवाल आपसे पूछेगा कि सर लोन लिया हुआ है, मैंने लोन लिया हुआ है, उस लोन के प्रोसीड से मैं उसको अंडरराइटिंग कमीशन पे करूं, तो ना बाबा ना, नहीं चलेगा, नॉट अलाउड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सवाल आया था आपको बीच में, उन्होंने क्या पूछा था कि ये जो कमीशन है वो मैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट पे कर सकता हूं, मैंने उसको फ्लैट खरीद के दे दिया अंडरराइटर को, आप पे कर दो, क्या दिक्कत है। तो आप बोलोगे लॉ हैज ओनली प्रोवाइडेड सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन सोर्स ऑफ फंड्स, बट फॉर्म के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इट इज अलाउड, ठीक है। रेट ऑफ कमीशन, इसके ऊपर बहुत रिपीटेटिव सवाल आते हैं, ध्यान से देखेंगे। द रेट ऑफ कमीशन पेड और एग्रीड टू बी पेड, मतलब आप पे कर चुके हो या फिर एग्रीमेंट एंटर किया है, इट शल नॉट एक्सीड इन केस ऑफ शेयर्स लोअर ऑफ 5% और द रेट ऑथराइज बाय आर्टिकल्स। तो अगर आपके आर्टिकल्स ने 4% बोला तो आप 4% पे कर सकते हो, 7% बोला तो आप 5% पे कर सकते हो। सर 5% किसका, ऑफ इश्यू प्राइस, तो आपको शेयर का इश्यू प्राइस देखना है, ठीक है। एंड दिस इज इन केस ऑफ शेयर्स, इन केस ऑफ डिबेंचर्स एक्जैक्टली इट इज सेम एक्सेप्ट द रेट दैट इज 2.5% ऑफ इश्यू प्राइस, 2.5% ऑफ इश्यू प्राइस। तो आपको डिबेंचर का या शेयर का जो है इश्यू प्राइस along with the article का rate दोनों दिया जाएगा। The prospectus of the company shall disclose three things: name of the underwriter, rate and amount of commission payable, and number of securities to be underwritten or subscribed by the underwriter, absolutely or conditionally। ये depend करता है agreement पे, ठीक है। तो आप तीनों चीजें बताओगे कि मेरा underwriter कौन है, उसका rate और amount of commission क्या agree हुआ है, और कितनी securities वो underwrite करवाने वाला है। ये तीनों चीजें आपको disclose करनी है आपके prospectus में। सर क्यों disclose करनी है, अरे बाबा full disclosure हो जाएगा ना, इससे transparency रहती है। अच्छा, अगर कोई public offer आगे नहीं गया, मतलब अगर कोई सिक्योरिटीज आगे पब्लिक के पास नहीं गई, तो उसके ऊपर आप उसको कमीशन नहीं पे करोगे। सर क्यों, अरे उसका काम ही ये था सिक्योरिटीज जो है वो पब्लिक तक पहुंचाना, तो अगर कोई ऑफर ही नहीं हुआ पब्लिक को, तो उन सिक्योरिटीज के ऊपर मैं उसको कमीशन नहीं दे सकता, दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। सो इफ यू आर नॉट ऑफरिंग टू पब्लिक, नो कमीशन। और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना विद द अंडरराइटर, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉपी है, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉपी है वो आपको आरओसी को सबमिट करनी है। सर आरओसी को अलग से सबमिट करनी है, नहीं नहीं नहीं, प्रोस्पेक्टस की कॉपी डिलीवर करी थी आपने, याद है, साइंड कॉपी डिलीवर करी थी अंडर सेक्शन 26 सबसेक्शन 4, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी लगा देना, अलग से देने की जरूरत नहीं है, राइट। दिस वॉज स्टिल आवर सेक्शन नंबर 40, लेट्स प्रोसीड अहेड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 39, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी। अब अलॉटमेंट के रिस्पेक्ट में ना दो इश्यूज आपको ध्यान रखने हैं। एक होता है अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन, समथिंग यू माइट हैव हर्ड इन टर्म्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज एज 90%, याद है आपको, लेकिन वो परसेंटेज अभी कुछ मत दिमाग में रखना, कंपनीज एक्ट में और अपने कोर्स में आपको कोई परसेंटेज लर्न नहीं करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मिनिमम एप्लीकेशन मनी, ओके, तो उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे दोनों चीजें पढ़नी है। आ जाओ सेक्शन 39 सबसेक्शन 1, कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। जब आप पब्लिक ऑफर कर रहे हो, सर अभी हमने प्राइवेट प्लेसमेंट तो नहीं स्टार्ट किया ना, नहीं अभी तक हमने प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं स्टार्ट किया है, अभी हम पब्लिक ऑफर के बारे में बात कर रहे हैं। सो आप अलॉटमेंट तब तक नहीं करोगे जब तक द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस एज मिनिमम अमाउंट हैज बीन सब्सक्राइब्ड, कि आपका जैसे अगर 100% आपका टोटल पब्लिक ऑफर है, तो उसमें से मिनिमम जैसे 90% आपका सब्सक्राइब होना चाहिए, एंड उसमें से जो आपका एप्लीकेशन मनी है, ये दोनों अलग चीजें हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्लीज ध्यान देना। पहला वाला जो कंडीशन है वो ये कह रहा है कि आपका टोटल में से इतना अमाउंट, इतना परसेंटेज ऑफ शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 100 शेयर ऑफर कर रहे हो एंड सिर्फ एक ही उसका लेने वाला है, तो फिर उस केस में अलॉटमेंट नहीं हो सकती, ये ऑफर कैंसिल कर दिया जाएगा। सेकेंड वाली चीज वो क्या कह रहा है कि जो आपका एप्लीकेशन पे जो पैसा है, मतलब अलग अलग स्टेजेस में पैसा इन्वॉल्व होता है, आपको पता होगा ना, ट्वेल्थ में आपने करा होगा, एप्लीकेशन मनी होता है, फिर फर्स्ट कॉल होता है, सेकेंड कॉल होता है, फाइनल कॉल होता है, तो ऐसे तरीके से जब वो एप्लीकेशन का मनी है, whatever the amount as stated, वो हो जाना चाहिए as paid and received by the company, मतलब उसने pay किया और आपने receive भी कर लेना चाहिए, और वो कैसे pay होना चाहिए, by check or any other instrument, cash is not allowed। अब एक बच्चे के दिमाग में doubt है, sir application का पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन application में is there any minimum amount to be received, answer is yes,
5% ऑफ नॉमिनल अमाउंट इज द मिनिमम अमाउंट, मतलब अगर टोटल शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज तो उसका 5% आपको जो है एप्लीकेशन के टाइम पे ले लेना है, उससे कम आपको नॉट अलाउड, और एनी अदर प्रिस्क्राइब परसेंटेज अमाउंट, वो अभी कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं है, तो इसको आप अगर नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। नाउ इफ यू डू नॉट रिसीव द मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन और वॉट एवर इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, तो सर ये कितने टाइम में हो जाना चाहिए? विद इन 30 डेज ऑफ व्हाट? विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सर ये प्रोस्पेक्टस की डेट क्या थी? अरे जो आपने प्रोस्पेक्टस में बताई थी, और एनी अदर प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड जो कि एस सच प्रिस्क्राइब नहीं है, तो उस डेट से विद इन 30 डेज आपको वो रिसीव कर लेना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो आपको वो रिटर्न करना है विद इन द मैनर प्रिस्क्राइब एज पर रूल नंबर 11, जो कि कहता है कि आपको इशू के क्लोजर पर पता चल जाएगा कि अगर इन दोनों में से मेरी कोई कंडीशन मीट नहीं हो रही है, राइट? सो विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू आपको जो है ये पैसा रिफंड करना है, एंड अगर आपने रिफंड नहीं किया देन आपके डायरेक्टर्स जो कि ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट है, सर ये दोनों सेम नहीं होंगे ना बाबा ना, जो डायरेक्टर्स है वो सारे के सारे डिफॉल्ट में नहीं होंगे, तो पहले तो देखो कि डायरेक्टर कौन है, फिर चेक करो उसमें से ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन है। सर ऑफिसर इन डिफॉल्ट कहीं पे आपने पढ़ाया है? हाँ मैंने फर्स्ट प्रिलिमिनरी में सेक्शन 2 क्लॉज 60 में पढ़ाया था। सो ऑल दोज डायरेक्टर्स हु आर ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू रीपे दैट मनी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो भैया रीपे तो तुझे करना ही करना है, ये तेरे ऊपर एडिशनल लायबिलिटी लग जाएगी। किस चीज की भैया? इंटरेस्ट पेमेंट की। कितनी? 15%। सर 15% सिर्फ मत बोलना, अब लॉ में आपको एक एक शब्द ध्यान से यूज करना है, पर एनम बोलना मतलब पूरे साल के लिए आपको 15%। सर जॉइंटली एंड सेवरली, आई एम रियली होपिंग कि आपको इसका मतलब पता है, 11th 12th के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बताई देता हूं, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि पता चले किसी बच्चे को नहीं आता, ए बी सी और डी है डायरेक्टर्स जो कि ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट है, मैंने ए से पूरा का पूरा ये पैसा ले लिया, तो बी सी और डी से वो ए मतलब ए बी सी और डी से वो पैसा रिकवर कर सकता है, बिकॉज वो सारे के सारे लायबल है एंड सेवरली लायबल है, तो एक से लिया तो दैट पर्सन कैन रिकवर फ्रॉम अदर पीपल देयर प्रोपोर्शनेट शेयर, ठीक है। सर जो आप मनी का रिपेमेंट करोगे ना, रिफंड करोगे, दैट शुड बी इन द सोर्स अकाउंट ओनली, जहां से पैसा आया उसी में वापस जाएगा, जहां से पैसा आया उसी में वापस जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। ओके सर, एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आपको फाइल करनी है आरओसी के साथ, क्या कब करनी है? सर जैसे आप अलॉटमेंट कर दोगे। सर फिर भी कितने टाइम में? 30 डेज में। सर फॉर्म PS3, राइट? सो कंपनी हैज टू फाइल द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कब? व्हेनेवर द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल मेक्स एनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पॉइंट टू बी नोटेड। क्या बोल रही है? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ शेयर्स, प्लीज आप ध्यान देना, शेयर्स और सिक्योरिटीज लूजली मत यूज करना, अब इधर उधर नहीं चलेगा, दोनों का मतलब बदल जाता है। सर आप थोड़े इसके मैनर भी बता दो। यस, मैंने आपको बोला विद इन 30 डेज आपको ये रिटर्न फाइल करनी है इन फॉर्म PS3 अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। सर इस अलॉटमेंट के साथ, ये जो अलॉटमेंट के आप रिटर्न फाइल कर रहे हो आरओसी के साथ, उसके साथ आपको 2-3 चीजें और लगा के देनी है। एक तो लिस्ट ऑफ एलोटीज अलॉन्ग विद नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन इफ एनी। सर इफ एनी क्यों लिखा? अरे हो सकता है किसी बंदे का कोई ऑक्यूपेशन ना हो, जैसे कोई स्टूडेंट हो, आपने शेयर्स पे अप्लाई कर दिया, आपको अलॉटमेंट हो गई, तो योर नेम एंड एड्रेस विल बी गिवन, योर ऑक्यूपेशन विल नॉट बी गिवन, ठीक है। तो आप लिस्ट बता देना भैया किस किस को अलॉटमेंट हुई है, कितने कितने अलॉटमेंट हुई है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अलॉटेड, अलॉन्ग विद दैट द लिस्ट शैल बी सर्टिफाइड बाय द सिग्नेटरी ऑफ फॉर्म PS3। मतलब सर वो जो सिग्नेटरी है ना, जैसे डायरेक्टर वगैरह रहा होगा या कंप्लायंस ऑफिसर होगा, तो उस फॉर्म का जो सिग्नेटरी है वही इन अटैचमेंट्स को पूरा साइन करके देगा क्या, एज बीइंग कंप्लीट एंड करेक्ट एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, की भैया सब कुछ सही है, ठीक है। सर अब ये जो पॉइंट नंबर 3 है और पॉइंट नंबर 4 है, ये मैंने यहां पे ऑलरेडी नोट्स में आपको पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है, बट इसके साथ मैं आपको एक और हैंड रिटन कराऊंगा इसके लिए, और ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। अच्छा सर टेलीग्राम पे आप जान के भेज रहे हो कि आपके सब्सक्राइबर बढ़े? नहीं भाई नहीं, मैंने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं है। गूगल ड्राइव की जो लिंक देता था उसमें जनरली कुछ ना कुछ इशू आ जाता है, पिछले 3 साल में जितनी वीडियोस है सारी गूगल ड्राइव के लिंक के थ्रू ही नोट्स गए हैं, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इशू आ जाता है, तो आप ये टेलीग्राम में से जो मेरा चैनल है उसमें से आप इसको ले लेना, और वहां पे MCQs भी सॉल्व हो रहे हैं, उनको देख लो। इफ यू फील कि दैट इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू तो आप मत ज्वाइन करो, बट MCQs से आपका बहुत हेल्प होगा, सो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग द चैनल। आज होकर ये सेक्शन 39 सबसेक्शन 4 रूल नंबर 12 में पॉइंट 3 एंड 4 को हम यहां से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको पेपर के लिए ये नोट्स जो है ना पूरा एक बार रिवीजन हो जाने दो कंपनी लॉ का, मैं उसी नोट्स को आगे आगे अपडेट कर रहा हूं, तो ये आप इसका प्रिंट लेके अपने बुक में लगा देना, इसमें से आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। ओके सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अटैचमेंट्स, अलॉन्ग विद योर PAS 3। सर PAS मतलब प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट सिक्योरिटीज, नॉमेनक्लेचर चैप्टर के नाम से होता है। एक और चीज, ये कंपनी लॉ का होने के बाद मैं आपको एक समरी दूंगा जिसमें मैं सारे फॉर्म्स दे दूंगा ऑफ ऑल द चैप्टर्स, डू नॉट वरी अबाउट दैट, फाइनल वालों के लिए भी दे रहा हूं, आपको भी दूंगा। तो इस PAS के साथ, इस PAS 3 के साथ आपको क्या अटैचमेंट्स देने हैं व्हेन द सिक्योरिटीज आर इश्यूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश।
सर सिक्योरिटीज इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब किसी ने मुझे बिल्डिंग दी और मैंने उसको सिक्योरिटीज इशू कर दिए। तो आपको इसमें तीन चार चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहले यू हैव टू सबमिट अ कॉपी, यू हैव टू सबमिट अ कॉपी ऑफ ड्यूली स्टैम्प्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? जिसके थ्रू सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट हुआ होगा, प्लस यू हैव टू प्रोवाइड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इफ दिस रिलेट्स टू सम असेट्स और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज और एनी अदर कंसिडरेशन। अगर असेट्स का नहीं है तो फिर सर्विसेज या अदर कंसिडरेशन का जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो सबमिट करो ना। ठीक है सर, अब एक दिमाग में क्वेरी आ रही है कि ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपने बोला सर सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट हुआ, सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट आपका राइटिंग में नहीं है, इट इज नॉट इन राइटिंग, तो कोई बात नहीं, उसको एक डॉक्यूमेंट के अंदर उसके जितने भी पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स मतलब अरे डिटेल्स, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स बिकॉज इट इज नॉट इन राइटिंग ओरली हुआ होगा, तो आप उसको स्टिल एक राइटिंग फॉर्म में डालो एंड आप उसको स्टैम्प करवाओ। स्टैम्प करवाओ मतलब दिस इज अ लीगल प्रोसेस वेर यू हैव टू गेट इट नोटराइज कह लो या स्टैम्प कह लो एंड यू हैव टू पे सम स्टैम्प ड्यूटी। तो सर स्टैम्प ड्यूटी कितनी पे करे? आप उतनी ही स्टैम्प ड्यूटी पे करो अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर राइटिंग में रखवाते तो कितनी लगती। अगर लीगली आप बनवाते हो तो आपको कुछ स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। आई होप यू हैव दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर। नहीं होता स्टिल इतना समझ लो कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली बनवा रहे हो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो उस केस में वो कह रहा है आप यहां पर भी उतनी स्टैम्प ड्यूटी पे करना as would have been payable if the contract was reduced in writing. तो in short वो आपसे stamp duty pay करवा रहे हैं। सर ठीक है, ये जो आपने particulars लिखे ना, ये सारे particulars, इस particulars का status क्या है? These will be deemed to be an instrument within the meaning of Indian Stamp Act 1899. तो Indian Stamp Act में एक instrument जो है उसी का status दिया जाएगा आपके इन particulars को। क्यों सर? अरे क्योंकि अब आपने stamp duty pay कर दी, तो this is my instrument as per the Indian Stamp Act, right? हाँ सर। अब आरओसी के पास एक ऑप्शन है, आरओसी में एज अ कंडीशन ऑफ फाइलिंग द पर्टिकुलर्स वो बोल सकता है कि अगर ये आपको फाइलिंग करनी है और रूल का कंप्लायंस करना है तो यू आर रिक्वायर्ड टू डू समथिंग। क्या? दैट वॉट एवर दैट पेबल स्टैम्प ड्यूटी इज इट नीड्स टू बी एडजुडिकेटेड अंडर सेक्शन 31 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। इसका मतलब आप इंडियन स्टैम्प एक्ट के हिसाब से सेक्शन 31 में एक प्रोसीजर होता है जिसमें कलेक्टर के पास जाके आपको इसका एडजुडिकेशन कराना पड़ता है। सर एडजुडिकेशन मतलब क्या? वो बोलेगा कि ये अमाउंट ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो एडजुडिकेशन मतलब एक प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द अमाउंट। तो आप उसको सेक्शन 31 में एडजुडिकेट कराओ। सर 100% कराना है क्या? नहीं, आरओसी बोल सकता है, बोलेगा या नहीं बोलेगा, दिस डिपेंड्स अपॉन द केस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज के आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 आर कवर्ड थ्रू द हैंड रिटन नोट्स। आगे आ जाओ। अ रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर इज रिक्वायर्ड। ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट किस चीज के लिए? फॉर वैल्यूएशन ऑफ कंसिडरेशन। सर ये किसमें? सबरूल 3 एंड 4। अरे मतलब इसमें जो भी हमने पढ़ा ना, तो आप एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वो भी लगा देना, रिपोर्ट भी लगा देना। ओके, सो दिस विल शो कि आपका जो कंसिडरेशन है, आपका जो भी इन्वॉल्वमेंट है कंसिडरेशन का, दैट इज एक्चुअली बींग डन अदर देन कैश, तो वो कंसिडरेशन का वैल्यू सही तो है ना, क्योंकि इसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन केस ऑफ बोनस इशू यू हैव टू अटैच अलॉन्ग विद दिस रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट अ कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ व्हाट? ऑफ ऑथराइजिंग दिस बोनस इशू। ठीक है, बोनस इशू के लिए आपने कुछ ना कुछ ऑथराइजेशन लिया होगा ना, ओआर चाहिए होता है, एंड अगर आर्टिकल्स चाहे तो फिर एसआर भी हो सकता है, तो वो रिजोल्यूशन की कॉपी लगा देना। अब अटैच रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स रिपोर्ट इन केस द शेयर्स आर इशूड अंडर 62(1)(c), दैट इज इशू फॉर फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू फॉर फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल के केस में भी आपको एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट लगानी है, लेकिन ये किनको लगानी है? ये कुछ अनलिस्टेड कंपनीज को लगानी है। सो इफ अ कंपनी इज लिस्टेड, और लिस्टेड मतलब कौन सी? जिसके इक्विटी शेयर या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज पे, तो ऐसी कंपनी को नहीं लगानी, इन्होंने बोला है अदर देन ऐसी कंपनी को लगानी है। ठीक है, तो मैं सारी लिस्टेड कंपनी को बाहर नहीं कर रहा हूं, ना ना ना, आपको ध्यान देना है मैं सिर्फ उन लिस्टेड कंपनीज को बाहर कर रहा हूं जिन्होंने ये दो टाइप ऑफ सिक्योरिटीज लिस्ट करा रखी है। मैंने आपको बताया था ना सिक्योरिटीज बहुत वाइड बड़े, बहुत चीजों की लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन मैं इसमें से इक्विटी शेयर और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को बाहर कर रहा हूं। अब आते हैं सर प्रोस्पेक्टस की मिसस्टेटमेंट के ऊपर, मतलब आपने कुछ गलतियां करी तो उसके ऊपर आपकी मिसस्टेटमेंट आ जाएगी। तो मिसस्टेटमेंट इज प्राइमरीली इन टू नेचर, वन इज क्रिमिनल, वन इज सिविल। Criminal one is more severe, that is considered as an offense which is committed against the state, and in this a guilty mind, कि आपका guilty mind था, that is the essential condition, ये prosecution को आपके against prove करना पड़ेगा, और इसके ऊपर लगता है CRPC 1973। वेला civil code जो है वो state के against नहीं है, वो किसी counter party के against है, मतलब किसी एक बंदे का नुकसान हुआ है, इसके अंदर loss या damage is an essential condition rather than a guilty mind, and इसके अंदर लगता है civil code procedure 1908।
This is the basics that you should know when we talk about a civil nature offense or a criminal nature offense. Sir, इतना जरूरी है क्या समझना? हाँ, क्योंकि उसके ऊपर अपने सेक्शन बदल जाएंगे. सेक्शन 34 आएगा क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए, 35 आएगा सिविल लाइबिलिटी के लिए. सर, लेकिन आप तो बोल रहे थे कि ये जो यू नो इम्प्रिजनमेंट और ये जो पेनल प्रोविजन है, ये आप अलग से पढ़ाओगे. देखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले पेनल प्रोविजन है ना, वो मैं क्लास में करवाऊंगा. वो मैं आपको क्लास में मतलब नोट्स में दे दूंगा. पेनल प्रोविजन जो बैलेंस है वो मैं एंड में करूंगा. सर, एंड में क्यों? क्योंकि फाइनल वालों के साथ मेरा ही फीडबैक रहा है कि सर, एंड में पेनल प्रोविजंस करेंगे एक के बाद एक, तो लर्न कर पाएंगे. अभी बीच में एक आएगा, फिर किसी और चैप्टर में आएगा, वो लर्न नहीं होता, वो टाइमिंग के लिए लर्न होता है. तो आप उसकी टेंशन मत लो, क्लास में भी अपन ऐसा ही करेंगे. ठीक है सर. सेक्शन नंबर 34, क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस. सर, क्रिमिनल लाइबिलिटी मतलब गिल्टी माइंड है, बहुत कुछ भयंकर हुआ है. हाँ सर, आओ. Where a prospectus is issued, circulated or distributed, जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट है that is untrue, misleading, और जिसका inclusion or omission of any matter is likely to mislead. तो मेरे keywords है untrue, misleading या mislead. तो ये गलत काम की है. तो अब every person who authorizes the issue of such prospectus. सर, सच मतलब? अरे सच मतलब ऐसा रे बाबा, ऐसा. ठीक है, तो he shall be liable under 447 अभी नीचे आने वाला है, एक दो पेज के अंदर. बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको अपने अंदर समा लेना, एब्जॉर्ब कर लेना. इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है इवन फॉर योर सीए फाइनल. ठीक है, और लाइफ में भी आपके बहुत काम आएगा. तो 447 नीचे लगता है. अब ये बंदा दुखी हो रखा है. मैंने कहा इधर आ बेटा, क्या हुआ? कह रहा है सर, मैं कुछ प्रूफ करना चाहता हूं. मैंने कहा कर क्या प्रूफ करेगा? कह रहा है सर, मैं प्रूफ करता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है ना, जो ऊपर गलत आई है, वो इमटेरियल थी. मैंने माना वो स्टेटमेंट आई या किसी स्टेटमेंट या मैटर का ओमिशन हुआ, बट दैट वाज इमटेरियल. या फिर मैं प्रूफ करता हूं कि आई हैड रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव एंड डिड बिलीव अप टू द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस दैट वो जो स्टेटमेंट आई है ना, जो गलत है या वॉट एवर इट इज, वो मुझे लग रहा था ट्रू है. तो सर, मेरा गिल्टी माइंड नहीं है ना. देखो, मैंने क्या बोला, क्रिमिनल के लिए अपने को क्या चाहिए? गिल्टी माइंड. तो वो प्रूफ कर रहा है कि उसका गिल्टी माइंड नहीं है, उसको लग रहा था ये ट्रू है, या फिर किसी चीज का इंक्लूजन और ओमिशन वॉज एक्चुअली नेसेसरी. तो लॉ कह रहा है हाँ, बात तो ठीक है, इस केस में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप प्रूव कर देते हो अगर ये बात है, इसका मतलब आपका गिल्टी माइंड नहीं है, और उस केस में नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई. और ये देखते ही ये बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो 447 के फ्रॉड से बच गया. सर, इसी तरीके से सिविल लाइबिलिटी पे आ जाओ. सिविल लाइबिलिटी में मैंने क्या बोला था, एसेंशियल कंडीशन क्या है? लॉस या डैमेज होना. इसमें गिल्टी माइंड की कोई जरूरत नहीं है, अभी तक नहीं है, अभी आगे आने वाली है, रुक जाओ. वेयर अ पर्सन हैज सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी. किसी बंदे ने सिक्योरिटीज परचेस करी, और उसने कैसे परचेस करी? एक्टिंग ऑन अ स्टेटमेंट इंक्लूडेड और इंक्लूजन और ओमिशन ऑफ एनी मैटर इन द प्रोस्पेक्टस विच इज मिसलीडिंग. मतलब उसने जो सब्सक्रिप्शन लिया, ही एक्टेड, मतलब किसके बेसिस पे लिया? कोई स्टेटमेंट या कोई इंक्लूजन या ओमिशन, और उसकी वजह से, मतलब इन चीजों की वजह से उसका कोई लॉस और डैमेज हुआ. सर, ऐसा क्यों कह रहे हो? उसकी वजह से, आगे पढ़ो ना पूरा. ही हैज सस्टेन्ड लॉस और डैमेज एज अ कॉन्सिक्वेंस. As a consequence thereof. So consequence बहुत important keyword है. Consequence मतलब as a result of him subscribing the securities acting on these matters. अच्छा, मतलब इसके basis पे उसने subscribe नहीं किया और lock हो गया, तो section 35 नहीं लगेगा. सर, इतना डीप भी जा सकती है क्या ICICI? जा सकती है. अपने को रेडी रहना है, अपने को इंटरप्रिट एकदम बढ़िया तरीके से करना है. ठीक है सर, अब अगर ये काम हो चुका है तो फिर अब कौन लायबल रहेगा? कंपनी लायबल रहेगी, एंड सम पर्सन्स जो मैं नीचे नाम लूंगा, दे शैल बी लायबल टू पे कंपेंसेशन टू एवरी पर्सन हु हैज सस्टेन्ड सच लॉस और डैमेज. एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर किसी पर्सन ने एक्ट किया इन मैटर्स के ऊपर, एंड एक्चुअली ही डिड नॉट सफर एनी लॉस और डैमेज, तो विल सेक्शन 35 अप्लाई? नो, क्योंकि सेक्शन 35 के लिए हमने क्लियरली बोला कि सर, लॉस या डैमेज होना जरूरी है. तो लॉस और डैमेज हुआ ही नहीं, तो कोई किसी की लायबिलिटी आएगी ही नहीं. नेक्स्ट आ जाओ. सर, ये कौन कौन पर्सन लायबल रहेंगे कंपनी के साथ? Every person who is a director at the time of issue of prospectus or authorized himself to be named as a director and is named in the prospectus as a director. मतलब वो actual में director है, या फिर उसने authorized किया कि भैया तू मेरा नाम डाल दे as a director, and उसका नाम डाला गया है as a director. Or any person who has agreed to become such director either immediately or after an interval of time. तो मतलब तू director है, तूने authorization दी, तू director बनने वाला है, सब director को पकड़ के यहाँ पे उनको जो है liable कर दिया. Apart from that, every person who is a promoter or authorized the issue of prospectus or is an expert as per section 26 subsection 5 जो ऊपर हम already पढ़ चुके हैं, तो इन सबको मिला के बोल दिया कि भैया तुम लोग liable हो for the purpose of this civil liability और आप लोग loss की भरपाई करोगे. अब मैं आपको बताऊंगा विद रिस्पेक्ट टू थ्री क्लॉजेस अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 2, जिसके अंदर वो तीन क्लॉजेस अगर लग जाते हैं, मतलब तीनों में से कुछ भी लग जाता है, तो 35 सबसेक्शन 1 में लायबिलिटी नहीं आएगी, सिविल लायबिलिटी नहीं आएगी, या लॉस या डैमेज की जो है भरपाई नहीं करनी पड़ेगी. फर्स्ट आ जाओ,
देखो नो लाइबिलिटी इफ दे प्रूव एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्लॉजेस. फर्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन हु कंसेंटेड टू बिकम एज अ डायरेक्टर. मैं यहाँ पे ऑलरेडी नेम्ड एज डायरेक्टर या ऑलरेडी अ डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे पर्सन की बात कर रहा हूं हु हैड कंसेंटेड टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बट उसने ये कंसेंट विदड्रॉ कर ली थी. कब? बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड इट वॉज इशूड विदाउट हिज ऑथोरिटी और कंसेंट. तो सर मैं प्रूव करता हूं, माना मैंने कंसेंट दिया लेकिन सर कंसेंट विड्रॉ कर लिया था और ये जो इशू है ना, ये जो गलत इशू है, गलत इशू है जिसकी वजह से किसी का लॉस हुआ, ये इशू मेरे अथॉरिटी और कंसेंट के बिना हुआ है. नेक्स्ट, अगर कोई ये बंदा प्रूव कर दे, ये जनरलाइज्ड है, अगर कोई बंदा ये प्रूव कर दे कि सर ये जो इशू है ना, इसका तो मुझे कंसेंट नहीं था, मेरा कोई कंसेंट नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, मुझे नॉलेज भी नहीं थी एंड मैं इस चीज का रीजनेबल पब्लिक नोटिस दे चुका हूं. सो देखो, ही प्रूव्स दैट द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट his knowledge or consent and that on becoming aware of its issue, मतलब prospectus के issue का जैसे उसको पता चला, he immediately को paper में हम क्या लिखेंगे, forthwith, ये keyword learn करो, forthwith मतलब immediately will, he has given a reasonable public notice that it was issued without his knowledge or consent. और third है with respect to expert's misleading statement. तो किसी expert का जो है गलत statement है पर मुझे लगा कि वो statement ठीक है, तो मेरी क्या गलती ना सर इसमें, मेरे को क्यों पकड़ रहे हो आप. तो आज क्लॉज नंबर थ्री, दैट एज रिगार्ड एवरी मिसलीडिंग स्टेटमेंट परपेटेड टू बी मेड बाय एन एक्सपर्ट. परपेटेड मतलब दिख रहा है ऐसा कि एक एक्सपर्ट ने दिया है, और कंटेंट इन व्हाट परपेट्स टू बी अ कॉपी और एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्रॉम अ रिपोर्ट और वैल्यूएशन ऑफ एन एक्सपर्ट. तो सीधी सी बात बोलो ना सर, एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है या एक्सपर्ट का कोई रिपोर्ट है, वो गलत निकला लेकिन सर मुझे ऐसा रीजनेबल ग्राउंड था टू बिलीव, मेरे को ऐसा रीजनेबल ग्राउंड था टू बिलीव एंड ये जो बिलीव था दैट वॉज टिल द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. क्या? कि इट वॉज करेक्ट, फेयर रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट कॉपी, करेक्ट एंड फेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिपोर्ट और वैल्यूएशन. तो इन शॉर्ट सर मुझे तो लगा था कि वो बिल्कुल ठीक है, इन लेमन टर्म्स सर मुझे तो लगा वो बिल्कुल करेक्ट है. एंड देखो ये बिलीव जो कर रहा है, वो बिलीव क्या कर रहा है, दैट द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट वॉज कॉम्पिटेंट टू मेक, जो एक्सपर्ट था वो कॉम्पिटेंट था, इसीलिए तो मुझे लगा ये सारा करेक्ट है. And that the said person, मतलब expert, had given the consent required under 26(5). मुझे ये भी लगा था कि जो expert की consent चाहिए होती है 26(5) में, वो भी उसने दे दी है and वो consent withdraw भी नहीं करनी होनी थी. तो yes, मुझे ये भी पता था, मुझे ये भी लगा था कि he had not withdrawn that written consent before the filing of copy of prospectus to ROC or to the defendant's knowledge before the allotment thereunder. ये defendant मतलब मैं हूं, मैं जो ये defend कर रहा हूं under clause C. तो in short sir मुझे लगा था सब कुछ correct, fair copy है, expert बिल्कुल ठीक आदमी है, competent आदमी है, written consent दे चुका है, consent withdraw भी नहीं करी है. कब तक withdraw नहीं करी? जब तक copy of prospectus ROC को deliver नहीं हुई या फिर मेरे knowledge में जब तक वो allotment हो रही थी. तो सर एक बात बताओ, क्या मुझे पकड़ना ठीक है? क्या मेरे को पता था यहाँ पे गलती है? नहीं है, लॉने का टेंशन मतलब clause C में exemption करवा ले, ठीक है. हाँ सर, आ जाओ जी, आ जाओ आगे. अब 35 सबसेक्शन 3 में एक स्पेसिफिक बात आ रही है कि अगर आपने ये जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जिसके वजह से किसी का लॉस हुआ, उसमें अगर आपका इंटेंशन था डिफ्रॉड करने वाला, ये तो चलो आपसे गलती हो गई, ये तो आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप लॉस की भरपाई करो. लेकिन यहां पे जो हम चेक कर रहे हैं दैट इज द इंटेंशन टू डिफ्रॉड, मतलब गिल्टी माइंड यहां पे मिक्स कर रहे हैं. तो यहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को प्रूव करना पड़ेगा कि आपका इंटेंशन टू डिफ्रॉड था, और अगर ऐसा हुआ तो आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाएगी. अनलिमिटेड समझ रहे हो आप, कोई लिमिट ही नहीं है, जितना लॉस जितना नुकसान सारा का सारा अनलिमिटेड वे में आपको वो पे करना पड़ेगा. सो वेयर इट इज प्रूव दैट अ प्रोस्पेक्टस वॉज इशूड विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड द एप्लीकेंट और एनी अदर पर्सन, applicant obviously for the securities or for any fraudulent purpose, then every person referred to in subsection 1, मतलब ऊपर किस किस को बोला, कंपनी को भी बोला और इन जनों को भी बोला, इन सबको बोला कि भाई now you all people are personally responsible without limitation of liability. घर से भी अगर सामान बेच के पैसे देने पड़े तो आपको देने पड़ेंगे. You are personally responsible for any loss or damages that may have been incurred by any person who subscribed to the securities on the basis of such prospectus. So this condition remains same. कि जो उस बंदे ने लॉस सहन किया वो किया ऑन द बेसिस व्हेन ही अप्लाइड फॉर द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रोस्पेक्टस. बट सर अगर आपका ये इंटेंशन, ये सर पेपर में कैसे समझ आएगा? अरे जहां पे भी ये इंटेंशन आ जाएगा ना, ये आपको दिया जाएगा कि उसका जो इंटेंशन है वही गलत था, गिल्टी माइंड था. क्लियर? दिस वॉज 35(3). सेक्शन 36 इज अ वेरी स्पेसिफिक सबसेक्शन, सॉरी वेरी स्पेसिफिक सेक्शन इन विच यू आर बींग पनिश्ड बिकॉज यू फ्रॉडुलेंटली आस्क समवन or you convince someone to invest their money or give you loan or give you money or give you credit facility, right? तो उस केस में उनकी liability है वो same as section number 34 हो जाती है, जो कि है fraud की liability. 35 में 447 नहीं लगा था, 34 and 36 में लगा था. I hope it is clear. तो 34 और 36 में हम अपन लगाते हैं section number 447 और 35 में बोलते हैं भाई तू loss की भरपाई कर दे बस, loss और damage की. तो यहाँ पे precondition क्या है? Loss या damage होना. किसका?
जिसने सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब किया, किसके बेसिस पे? प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे। आ जाओ जी, आ जाओ। पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी, एनी पर्सन हु इधर नोइंगली और रेकलेसली, मतलब उसको पता था या उसने रेकलेसनेस दिखाई, केयरलेसनेस दिखाई और उसने क्या कर दिया, ऐसा स्टेटमेंट कर दिया और ही मे बी मेड सम प्रॉमिस और फोरकास्ट विच इज एक्चुअली फॉल्स, डिसेप्टिव, मिसलीडिंग और डेलिबरेटली कंसील्स एनी मटेरियल फैक्ट्स। और ये सब करने के पीछे उसका एम क्या था, एंड गेम क्या है? सर उसका एम ये था टू इंड्यूस अनदर पर्सन टू एंटर इनटू और ऑफर टू एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट विद अ व्यू टू अक्वायरिंग, डिस्पोजिंग, सब्सक्राइबिंग फॉर और अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। तो तेरे से इन्वेस्टमेंट लेना है, तेरे को हम इंड्यूस कर रहे हैं कि तू सब्सक्राइब कर, तू अंडरराइट कर, तू अक्वायर कर। और एनी एग्रीमेंट द पर्पस और प्रिटेंडेड पर्पस ऑफ विच इज टू सिक्योर अ प्रॉफिट टू एनी ऑफ द पार्टीज फ्रॉम द यील्ड ऑफ सिक्योरिटीज और बाय रेफरेंस टू फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब तू इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा और इन सिक्योरिटीज का कुछ प्राइस का फ्लक्चुएशन हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, मैं पैसा कमाऊंगा इसमें से, किसी ना किसी पार्टी के लिए मैं पैसा कमा के दूंगा और किसी एक के साथ में फ्रॉड करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एनी एग्रीमेंट फॉर विद और विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा जी, फ्रॉडुलेंटली बैंक से पैसा लेना चाहते हो तो आप सेक्शन 36 में फंस जाओगे। सर अब पेपर में कैसे हम कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे 34, 35, 36 में? बिल्कुल नहीं होंगे, आप क्वेश्चन देखना, 34, 35, 36 में आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। किसी सवाल में अगर आपको लगता है कि सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मेरा नंबर आपके पास है, आप मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगा कि उस क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करना है। क्लास के अंदर मेरा बहुत सारा ध्यान उस पर रहता है कि क्वेश्चन एनालिसिस करवाऊं, क्योंकि मेरा जो काम है वो इस तरफ नहीं है कि आपको आंसर्स करवाना सिखाना है, आंसर तो आ ही जाएंगे। क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन इज एन आर्ट इटसेल्फ फॉर द पेपर ऑफ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, तो वो भी आप लोगों को सिखाना है, वो क्लास में लिया जाएगा। आ जाओ सर, सेक्शन 37 कहता है कि ये जो 34, 35, 36 में जो भी अफेक्टेड पर्सन रहे जिनका नुकसान हुआ उसमें एक्चुअल में एक्शन कौन लेगा? सर एक्शन कौन लेगा मतलब अरे केस कौन फाइल करेगा मेरे भाई, सूट कौन फाइल करेगा? सो इट कैन बी एनी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन और एसोसिएशन हु आर अफेक्टेड बाय दिस मिसलीडिंग स्टेटमेंट और इंक्लूजन और ओमिशन ऑफ एनी मैटर। तो जिसका नुकसान हुआ कोई भी पर्सन, ग्रुप, एसोसिएशन, वो आके केस फाइल कर देगा। किसके अगेंस्ट? अरे कंपनी या जिसने गलत काम किया। अब आ जाओ सर एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन 447, इसके ऊपर लगा दो सर चांद और तारे। सर तारे तो बन जाते, मेरे से चांद नहीं बनता, ठीक है, ये चांद और तारे लगाओ क्योंकि ये है 447, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल लेना अपने अंडर। मैं एक मिनट चाय पी रहा हूँ, पानी पी लूँ, आदत पड़ गई है चाय पीने की ना, फाइनल के बैच में मैं ब्रेक में चाय पीता हूँ, तो अभी चाय तो नहीं है लेकिन पानी पीने से गुजारा कर लेंगे। आपको भी चाय पसंद है क्या? मेरे को तो बड़ी पसंद है भैया क्लास के बीच में चाय पीना, ठीक है, तो ब्रेक में पीता हूँ, यही नहीं कि पढ़ाते पढ़ाते पी लूँ। चलो सर चलो, ज्यादा हंसी मजाक की जरूरत नहीं है, आ जाओ आगे बढ़ो, रिविजन लेक्चर है। सेक्शन 447, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, किसी ने फ्रॉड किया तो उसको पनिश करना, ठीक है। एनी पर्सन फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड विच इन्वॉल्व्स एन अमाउंट ऑफ एटलीस्ट, तो आपको पहले तो अमाउंट चेक करना है फ्रॉड में कितना है। If it is 10 lakh or 1% of turnover, whichever is lower, sir, मतलब जरा लिंक करो एटलीस्ट से। आप सबसे पहले चेक करो कि उस कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी जो भी इन्वॉल्व है इस पूरे इसमें फ्रॉड में, तो उस कंपनी का टर्नओवर का 1% निकालो, उसको कंपेयर करो 10 लाख से, दोनों में से लोअर अमाउंट निकालो। तो अगर 1% आ रहा है 8 लाख तो आपका 8 लाख आंसर होगा, अगर 1% आ रहा है 15 लाख तो आपका 10 लाख आंसर होगा। फिर चेक करो कि क्या फ्रॉड मिनिमम 8 या मिनिमम 10 लाख का हुआ, अगर हुआ तो आप पनिशमेंट लगाओ उसके ऊपर, ये वाली जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। देन ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 10 years, सीधा ब्रैकेट में कीवर्ड लर्न कर लेना, 6 months to 10 years। लेकिन अगर आपका फ्रॉड ऐसा है जिसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, सर सारे केसेस में नहीं होगा, अरे नहीं सारे केसेस में नहीं होगा, कई केसेस में होगा, कई में नहीं होगा। तो अगर किसी में लोगों का पैसा, आम जनता, आम पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, तो आपको मिनिमम 6 months की इंप्रिजनमेंट नहीं, आपको मिनिमम 3 years की इंप्रिजनमेंट रहेगी और मैक्सिमम वही रहेगा 10 years। सो इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, मिनिमम इंप्रिजनमेंट इज 3 years। एंड सर ये क्यों दे रहे हो इतना स्ट्रेस, एंड मतलब जेल तो आपकी है ही, टन 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 टन, जेल तो आपकी पक्की है ही, आपको इस केस में हम फाइन भी लगा देंगे। कितना आपका फ्रॉड का कितना अमाउंट है, उतना मिनिमम एंड मैक्सिमम अप टू 3 times। अच्छा सर मतलब अगर मिनिमम है मेरा 8 lakh, मतलब इफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड इज 8 lakh, तो मिनिमम आप मेरे ऊपर फाइन 8 lakh का लगाओगे, मैक्सिमम आप मेरे ऊपर 8 into 3 = 24 lakh लगा सकते हो, करेक्ट आंसर इज यस। और सर इसके अंदर वर्ड जो है ना बहुत ध्यान से यूज करना, यहाँ पे मैं वर्ड बोल रहा हूँ फाइन, सर पेनल्टी नहीं लिख सकते इसको, अरे फाइन और पेनल्टी में फर्क होता है, फाइन और पेनल्टी में फर्क होता है, किसी और लेक्चर में बता दूंगा क्या फर्क होता है, बट ध्यान से।
अब सर इस बच्चे के दिमाग में डाउट है कि इफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड इज लोअर देन द लोअर ऑफ द अबाउट स्टेटेड लिमिट, मतलब ये 8 और 10 लाख से कम हुआ, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आप एक और कंडीशन चेक करो कि क्या फ्रॉड जो है डज इट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट, इफ द आंसर इज नो तो आपके ऊपर रिलैक्स प्रोविजन लग जाएंगे। कैसे रिलैक्स, आओ देखते हैं। एनी पर्सन गिल्टी ऑफ सच फ्रॉड, सच फ्रॉड मतलब जिसमें ये लोअर अमाउंट से कम है एंड पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम पनिश कर देंगे जेल से फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 5 ईयर, तो इसके अंदर कोई मिनिमम जेल नहीं है और मैक्सिमम 10 से 5 कर दिया, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 50 लाख, तो इसके अंदर वी आर कंप्लीटली इग्नोरिंग व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, वी आर जस्ट कैपिंग द अमाउंट टू 50 लाख और विद बोथ, सो पॉइंट टू बी फोकस्ड, इसके अंदर मेरी जेल पक्की नहीं है, आपने वर्ड्स यूज किए और दोनों हो सकती है लेकिन जेल पक्की नहीं है, यहां पे जेल आपकी पक्की है। सर अब एक क्वेरी आ चुकी है कि आपने बोला कि दिस अमाउंट, द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड इज लोअर देन द लोअर ऑफ अबाउट स्टेटेड लिमिट, ये वाला, लेकिन सर उस केस में अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया तो क्या करेंगे, सो लॉ ने स्पेसिफाई क्लियरली नहीं किया है, बट आप ये वाले प्रोविजन लगा सकते हो, स्ट्रिक्टर वाले, ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सेकंड कंडीशन बोली है कि पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए अगर आपको रिलैक्स प्रोविजन लगाने हैं। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। सर मीनिंग्स, सर मीनिंग्स पढ़ाते हो क्या क्लास में, देखो मेरे क्लास में अगर आना है, चाहे रिवीजन में आना हो, तो कोर्स तो भाई मैं पूरा कराऊंगा, ठीक है, मैं जल्दबाजी में कोई अननेसेसरी समरीज वगैरह में नहीं करवाता, हाँ हैंड रिटन नोट्स दूंगा जहां पे आपको फ्रिक्शन एरियाज होते हैं लॉ के, उतना मैं दूंगा, लेकिन जल्दी जल्दी में और समरी मैनर में हम चीजें नहीं करेंगे, ये तो खैर रिविजन लेक्चर है, मैं क्लास की बात कर रहा हूं, रिविजन में भी अपन कुछ नहीं छोड़ेंगे, फ्रॉड का मतलब रीड करो, आप ये रीड करने के बाद मैं आपको इसमें से इंटरप्रिटेशन पॉइंट करवाऊंगा, आ जाओ। फ्रॉड मीन्स इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स एनी एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट ऑफ एनी फैक्ट, अब्यूज ऑफ पोजीशन कमिटेड बाय एनी पर्सन विद द कॉनिवेंस इन एनी मैनर विद एन इंटेंट, कीवर्ड पहला मैं मार्क कर रहा हूं, विद एन इंटेंट टू डिसीव, टू गेन अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम और टू इंज्योर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और शेयर होल्डर और इट्स क्रेडिटर और एनी अदर पर्सन, वेदर और नॉट देर इज एनी रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। तो मैं ये दो मैंने जो रेक्टेंगल मारे हैं ना भैया, ये इंटेंट और ये दूसरा वाला वेदर और नॉट देर इज एनी रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, ये आपने कीवर्ड है। मुझे नहीं पता आपने इसका इंटरप्रिटेशन अभी तक किया या नहीं किया है, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई फ्रॉड हुआ, मतलब आपका इंटेंशन गलत था, तो आप बाद में ये नहीं क्लेम कर सकते कि सर इस फ्रॉड में ना किसी का रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस तो हुआ ही नहीं, मतलब एक्चुअल में रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाला तेरा इंटेंशन तो गलत था ना, वो अलग बात है कि तू फेल कर गया कुछ कमाने के लिए या तूने कोई रॉन्गफुल लॉस नहीं क्लेम किया, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट अलग है, तूने जो कोशिश करी वो तेरा इंटेंशन गलत था, तेरा इंटेंट जो था वो गलत था। तो कोई अगर फ्रॉड में अपने को गिराना है कोई एक्ट, तो वी डोंट हैव टू सी द रिजल्ट, वी हैव टू सी द इंटेंशन। प्रैक्टिकली इसके ऊपर बहुत केस चलते हैं कि आपका इंटेंशन क्या था, आप ये नहीं बोल सकते सर एक्चुअल में रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस तो हुआ ही नहीं, ना बाबा ना, तेरा इंटेंट गलत था तो तूने फ्रॉड किया, और तूने फ्रॉड किया तो 447 लगा देंगे। फिर ये दोनों मतलब आप एक बार रीड कर सकते हो, रॉन्गफुल गेन मतलब अरे तेरा कोई उसके अंदर यू डिडंट हैव एनी राइट बट यू अर्न समथिंग, एंड लॉस में तेरा राइट था बट तूने उसको गलत तरीके से जो है वो लॉस क्लेम किया, बाय अनलॉफुल मींस लॉस क्लेम किया। अब आ जाओ सर प्राइवेट प्लेसमेंट में, पब्लिक ऑफर की बातें भूल जाओ, हो गया। अब आ जाओ सर सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। सर प्राइवेट प्लेसमेंट में बेसिकली हो क्या रहा है बताओगे हमें? देखो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, पब्लिक ऑफर में क्या होता था, आप बाहर पब्लिक एडवर्टाइजमेंट करते हो प्रोस्पेक्टस निकाल के कि सुनो 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 सारे के सारे आओ और हमारी सिक्योरिटीज ले लो, हमें पैसा दे दो। प्राइवेट प्लेसमेंट में छुपके छुपके क्या जा रहा है कि भाई सुनना मैं तेरे को सिक्योरिटीज दू क्या, भाई सुनना मैं तेरे को सिक्योरिटीज दू क्या, इनको ये जिनके कान में जाके आप बोल रहे हो ना, दीज आर नोन एज आइडेंटिफाइड पीपल। सर आइडेंटिफाइड कैसे, अरे कंपनी ने इनको आइडेंटिफाई किया है फॉर द पर्पस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। सर आप कितने जनों को दे सकते हो, 200 पीपल इन वन फाइनेंशियल ईयर। सर अगर वो लिमिट पूरी हो गई तो फिर उस साल का वेट करना, अगले साल आप देना 200 जनों को, ठीक है। आ जाओ सर सेक्शन 42 ऑफर और इनविटेशन फॉर सब्सक्रिप्शन, अरे मतलब ऑफर करो या इन्वाइट करो, बात तो एक ही है ना, फोकस है प्राइवेट प्लेसमेंट में सेक्शन नंबर 42 पे। तो पहली बात तो क्या कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन, तो इस सेक्शन का कंप्लायंस करवा लेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट किसको करना है और कितने जनों को करना है, तो मैंने आपको नाम बताया है, कीवर्ड मेरे साथ लर्न करेंगे, दैट प्राइवेट प्लेसमेंट विल बी डन टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस हु हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड। आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड इसका मतलब इनको प्यार से बोलेंगे सर आइडेंटिफाइड पर्सन। सर कितने बंदे, शैल नॉट एक्सीड 50। सर गलत पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो, अभी तो 200 बोला, अरे नीचे पढ़ो ना, एनी हायर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो वो प्रिस्क्राइब नंबर नीचे है 200 इन वन फाइनेंशियल ईयर, तो एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 200, लेकिन इन 200 में से कुछ जनों को एक्सक्लूड कर दिया। टू टाइप ऑफ पीपल, फर्स्ट
qualified institutional buyer, and second, employees of the company being offered the securities under ESOP under 62(1)(b). तो सिर्फ इतना लर्न करो कि QIB qualified institutional buyer and employees जिनको ESOP दे रहे उनको exclude कर दिया. So this is an advantage given by the law. क्योंकि employees में बहुत सारे होते हैं, ESOP भी बहुत सारे दिए जाते हैं, तो उस केस में 200 की लिमिट तो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, तो बोला इन दोनों को एक्सक्लूड करो. सर पेपर में कैसे पता चलेगा QIB है या नहीं है, ये आपको फैक्ट स्टेट किए जाएंगे इन द क्वेश्चन. आप इसके क्वेश्चन करना ऐसे हो जाएंगे, सर ये लिमिट मैंने बताया फाइनेंशियल ईयर वाइज है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस जो मैं आपको रूल 14 में कराऊंगा. तो एन ऑफर और इनविटेशन अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी टू मैक्सिमम 200 पीपल इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर. टोटैलिटी में आप अगर दो ऑफर कर रहे हो तो टोटल देखना है आपको कि साल में 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए. एंड दिस रिस्ट्रिक्शन इज फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी दैट इज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर. तो इक्विटी शेयर के रिस्पेक्ट में आप 200 का ध्यान दो, आप प्रेफरेंस शेयर के रिस्पेक्ट में 200 का ध्यान दो, एंड आप डिबेंचर के केस में 200 का ध्यान दो. क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्ड यूज किया है क्लियरली आपके सामने, इंडिविजुअली फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी. ठीक है. हाँ सर, रूल 14 सब रूल 7. सर सब रूल लर्न करें क्या? सब रूल मत लर्न करना, मोटा मोटा रूल बस लर्न कर लेना. अब ये दोनों, ये जो हमने कंडीशंस बोली ना, ये वाली 200 वाली, दीज आर नॉट एप्लीकेबल टू टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस. पहला रजिस्टर्ड एनबीएफसी. सर रजिस्टर्ड क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड रही होंगी. एंड सेकंड रजिस्टर्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. सो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज किसके साथ रजिस्टर करी जाती है? नेशनल हाउसिंग बैंक अंडर देयर ओन एक्ट ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987. तो जैसे आरबीआई एक्ट 1934, इस एक्ट में वो चीज रजिस्टर्ड है. तो सर इनको ये वाला रूल कंप्लाई नहीं करना, मतलब ये रूल 14 सब रूल 2 नहीं कंप्लाई करना. ठीक है, सब रूल 2 नहीं कंप्लाई करना, तो कुछ और कंप्लाई करना है क्या? हाँ, उनको अपने वाले रूल्स कंप्लाई करने जो आरबीआई या नेशनल हाउसिंग बैंक ने निकाल रखे होंगे. लेकिन सर अगर उन्होंने कोई रूल्स नहीं निकाल रखे तो फिर क्या वो कुछ भी कंप्लाई नहीं करेंगे? ना ना ना, फिर वो ये वाला रूल 14 सब रूल 2 को कंप्लाई करेंगे. ठीक है, यही बात मैंने इन दोनों जगह पे दे रखी है. सर फॉर्म एंड मैनर ऑफ इशूइंग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड द एप्लीकेशन, ये सारा एज प्रिस्क्राइब. ठीक है, ये सारा एज प्रिस्क्राइब. अब सर ये आइडेंटिफाइड पर्सन जो होंगे ना आपके, आपने जिनको भी आइडेंटिफाई किया, उनके दो पर्टिकुलर्स नेम एंड एड्रेसेस शुड बी रिकॉर्डेड बाय द कंपनी इन प्रिस्क्राइब मैनर. तो उसका नेम एंड एड्रेस रिकॉर्ड कर लेना. अब दिमाग में क्वेरी आ रही है कि सपोज सर सिद्धेश, मतलब मैं अगर एक आइडेंटिफाइड पर्सन हूं किसी कंपनी के द्वारा, तो क्या मैं अपने फ्रेंड को बोल सकता हूं, लेट्स से मेरा फ्रेंड है मिस्टर एक्स, तो क्या मैं मिस्टर एक्स को बोल सकता हूं कि सुन ना भाई मैं आइडेंटिफाइड हूं लेकिन मुझे ये शेयर्स नहीं चाहिए, मैं तेरे को दे देता हूं. सो दिस इज द राइट ऑफ रिनंसिएशन. Is it allowed? Answer is no. Why? Because Siddesh has been identified by the company. My friend Mr. X has not been identified by the company. So renunciation is not allowed. ठीक है, आगे आ जाओ. दो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन. जनरल मतलब समझाया प्राइवेट प्लेसमेंट का, आप रीड करके छोड़ सकते हो. दैट प्राइवेट प्लेसमेंट मींस एन ऑफर और इनविटेशन टू सब्सक्राइब और इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन. और उस सिलेक्ट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाइड पर्सन. एंड दिस इज समथिंग विच इज अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर. क्योंकि पब्लिक ऑफर में तो पूरे पब्लिक को ऑफर करते हो, यहां पे तो आइडेंटिफाइड पर्सन को ऑफर कर रहे हो. सर डीम्ड पब्लिक ऑफर, इसका क्या मतलब है? हमने आपको क्या लिमिट लगाया? हमने आपको बोला कि सर एक फाइनेंशियल ईयर में 200 पीपल को आप ये वाला जो है प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर दे सकते हो. अगर आपने 202 को दे दिया या 210 को दे दिया, सर सीधी सीधी बात बोलो, 200 की लिमिट पार हो गई, तो हम मान लेंगे कि ये ऑफर आप पब्लिक ऑफर में जा रहे हो. सर तो उससे प्रॉब्लम क्या है? अरे मेरे भाई, अगर उस केस में पब्लिक ऑफर लग गया ना, तो ऊपर ढेर सारा कंप्लायंस पड़ा ना भाई, पब्लिक ऑफर का, प्रोस्पेक्टस का, रजिस्ट्रेशन का, आरओसी के पास जो फाइल करवाना पड़ता है वो सारा कंप्लाई कराना पड़ेगा. यहां पे प्राइवेट प्लेसमेंट में इतनी कंप्लायंसेस नहीं है, तो कोशिश करना कि ये 200 की लिमिट पार ना हो, वरना इट विल बी अ केस ऑफ डीम्ड पब्लिक ऑफर. सर डीम्ड क्यों? आप पब्लिक ऑफर नहीं बोल रहे हो, लेकिन हम डीम कर रहे हैं. और क्यों डीम कर रहे हैं? इफ यू आर ऑफरिंग दिस टू मोर देन प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ पर्सन, मतलब मोर देन 200. ठीक है, फिर उसके बाद जो है फोरगोइंग सेक्शन जो हमने पढ़े विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक ऑफर वो लग जाएंगे. ओके सर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. रूल नंबर 14 सब रूल 1. अगर आपको ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह करना है, उसके लिए पहले आपको एक अप्रूवल चाहिए होगा फ्रॉम द मेंबर्स बाय वे ऑफ एसआर. सो कंपनी शैल नॉट मेक एन ऑफर और इनविटेशन थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट अनलेस दिस प्रपोजल हैज बीन प्रीवियसली अप्रूव्ड बाय शेयरहोल्डर्स बाय एसआर फॉर ईच ऑफ द ऑफर और इनविटेशन. मतलब अगर मैं इक्विटी शेयर के लिए एक प्राइवेट प्लेसमेंट दे रहा हूं और डिबेंचर्स के लिए एक प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर दे रहा हूं, तो दोनों के लिए एक एक एसआर चाहिए होंगे. आई कैन नॉट पास वन एसआर फॉर टू इश्यूज, राइट? सो फॉर ईच ऑफ द ऑफर आई नीड वन स्पेशल रेजोल्यूशन. फर्स्ट प्रोविजन जनरल है, वो कह रहा है जब आप ये स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए नोटिस भेजोगे, उसके पीछे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर सारी डिटेल्स बता देना विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट प्लेसमेंट. एक बार टाइम मिले तो पेज 3.39 आईसीआर स्टडी मटेरियल में जाकर उसको रीड कर लेना. अच्छा, ये जो सब रूल है ना जो कहता है आपको एसआर चाहिए, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इफ यू आर इशूइंग वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिक्योरिटी दैट इज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर प्लस
आगे उन्होंने लिमिट बताई, इस सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में वेयर द प्रपोज्ड अमाउंट टू बी रेज्ड डज नॉट एक्सीड द लिमिट एज स्पेसिफाइड इन 181C एंड इन सच केसेस द रेलिवेंट बोर्ड रेजोल्यूशन अंडर 179(3)(c) वुड बी एडिक्वेट। सर हमें दो इश्यूज आ चुके हैं, एक तो ये 181C क्या है और एक ये 179(3)(c) क्या है। देखो 181C में एक बोरोइंग की लिमिट बता रखी है, उसके अंदर आपको टोटल लेना पड़ता है किस चीज का, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ठीक है ना सर, इसको पढ़ लेंगे आगे जाके। अरे नहीं पढ़ोगे, ये सीए फाइनल का पार्ट है, ठीक है। और ये 179(3)(c) क्या कहता है कि अगर आपको सिक्योरिटीज इशू करनी है तो आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, और बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में ही पास करना पड़ता है। सर बोर्ड मीटिंग के में ही मतलब, देखो अब मैं आपको ज्यादा बता नहीं रहा क्योंकि फाइनल का पार्ट है, हिंट दे रहा हूं क्योंकि मेरे को ना ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको बोलूं ये चीज आगे बढ़ो। देखो बोर्ड रेजोल्यूशन दो तरीके का पास होता है, एक एट मीटिंग और बाय सर्कुलेशन अंडर 175 सेक्शन 175 नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। तो समझ लो 179(3) में कुछ मैटर्स बता रखे हैं जिसमें ये बोला गया है कि आपको इस चीज का बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग के अंदर ही पास करना है, आप सर्कुलेशन से नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसा बोला गया कि आप जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे ना उस केस में, तो वो वाला बोर्ड रेजोल्यूशन इज सफिशियंट, आपको एसआर की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और कंडीशन है, ये लिमिट नहीं पार होनी चाहिए। तो सर एक बार ये लिमिट बता दोगे क्या हमें? अरे बताइए, आपको लिख के भी दे दी है, फॉर नॉलेज पर्पज ओनली नॉट फॉर एग्जामिनेशन। तो 181C में तीनों का टोटल, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, और 179(3) बोलता है फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिबेंचर्स, और वो आप इशू कहीं पे भी कर सकते हो, इंडिया में भी या फिर आप आउटसाइड इंडिया में भी, तो उसके लिए आपको बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होता है एट बोर्ड मीटिंग। सर समझ में नहीं आया अभी भी? अरे नहीं समझ आया तो छोड़ दो, ये नॉलेज पर्पज के लिए, ये दोनों सेक्शन लर्न करके आगे बढ़ो। ओके सर, सर एसआर क्या हमेशा चाहिए होगा या एक बारी चल जाएगा? देखो अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स निकाल रहे हो और अगर आपकी वाली लिमिट पार हो रही है, तो आपको हर बार, जैसे साल में दो बार आप एनसीडी निकाल रहे हो, सो हर बार एसआर की जरूरत नहीं है, एक बार चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सर व्हेन द ऑफर इज और द इनविटेशन इज टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, तो उस केस में भी अपने को एक एसआर चाहिए, लेकिन वो भी साल में एक ही बार पास करना है, हर बार पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर क्यूआईबी तो लेकिन हम इंक्लूड नहीं करते, अरे मैंने उसको बोला 200 में इंक्लूड नहीं करते, मैंने ये थोड़ी बोला उसके लिए एसआर नहीं चाहिए, राइट। एसआर तो चाहिए ही ना, सबसे पहले पढ़ ही लिया, एसआर तो हर एक के लिए चाहिए, लेकिन दोस्तों में इंक्लूड करना है या नहीं करना है वो अलग बात है, जो हमने ऊपर पढ़ा ये रहा। ओके टू एक्सक्लूजन्स, चलो सर चलो 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 रूल 14 सब रूल 3। अब आप ये जो ऑफर या एप्लीकेशन फॉर इनविटेशन दोगे, ये किस फॉर्म में दोगे? आप दोगे PS4 सीरियली नंबर, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, एंड दिस शुड बी एड्रेस स्पेसिफिकली टू द पर्सन हुम द ऑफर इज मेड, मतलब आइडेंटिफाइड पर्सन को दिया जाएगा, जैसे मिस्टर सिद्धेश दिस 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 एड्रेस, ऐसे ओपन नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफाइड पर्सन को दिया जा रहा है। आप कैसे सेंड करोगे? इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, आज के इसमें ईमेल के थ्रू ही आएगा। और आप कब तक करोगे? विद इन 30 days ऑफ रिकॉर्डिंग हिज नेम और एड्रेस। सर ये कहां पढ़ा था नेम और एड्रेस? अरे लाला ये रहा ऊपर, नेम एंड एड्रेस जब आपको रिकॉर्ड करना है इसके विद इन 30 days, आप यहीं पर लिंक कर सकते हो, मैं भी इसको नोट्स में लिंक करा दूंगा कि विद इन 30 days वो सेंड हो जाना चाहिए ऑफर, ठीक है। हाँ सर ठीक है, आगे बढ़ो। तो विद इन 30 days ऑफ रिकॉर्डिंग ये सेंड हो जाना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अदर देन द पर्सन टू हुम इट इज सो एड्रेस्ड इज अलाउड टू अप्लाई, ठीक है। मैंने बोला था ना कि रिनाउंस वगैरह नहीं हो सकता, तो मेरे को ऑफर आया तो मिस्टर एक्स उसको अप्लाई नहीं कर सकता, और अगर उसने अप्लाई कर भी दिया तो वो इनवैलिड माना जाएगा, रिजेक्ट कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर्स इन फॉर्म PS5। PS4 में आपने ऑफर दिया था, ठीक है, पैस 4 में आपने ऑफर दिया था, और पैस 5 में आपने इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया है, इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया है। ध्यान से, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये ऑफर कौन कौन से जिन्होंने एक्सेप्ट किया, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट, दिस मे बी एक्सेप्टेड और दिस मे बी रिजेक्टेड, बट जो ऑफर गए आपके आपके साइड से टू आइडेंटिफाइड पर्सन, वो पैस 5 में आपको रिकॉर्ड करना है। एक बहुत ही प्रोसीजरल पॉइंट है कि आपको रजिस्ट्री के साथ आपका जो स्पेशल रिजोल्यूशन है या फिर बोर्ड रिजोल्यूशन है, व्हाटएवर द केस में भी, वो फाइल करना पड़ता है, और प्राइवेट कंपनी के केस में इस बोर्ड रिजोल्यूशन या स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी फाइल करनी पड़ती है। वेरी प्रोसीजर, लेट्स मूव अहेड। अभी बंदा चिल्ला रहा है, आइडेंटिफाइड पर्सन कह रहा है हाँ हाँ आई वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू द प्राइवेट प्लेसमेंट इशू, सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन सबसेक्शन 4, मैनर ऑफ सब्सक्राइबिंग टू द प्राइवेट प्लेसमेंट इशू। आइडेंटिफाइड पर्सन चिल्ला रहा है कि मुझे सब्सक्राइब करना है, मैंने कहा तो ठीक है रुक जा, अप्लाई कर दे, जो तेरे पास ऑफर आया ना उसको अप्लाई कर और पैसा पे कर। सर कैश में दे दूं? ना ना ना, कैश में नहीं चलेगा, पेड बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पेड बाय चेक और डिमांड ड्राफ्ट और बाय एनी अदर बैंकिंग चैनल, ठीक है। अब दो कंडीशन है जो कि कंप्लाई करानी है बिफोर द कंपनी यूटिलाइजेस द मनी रेज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट जो पैसा आया वो यूज करने से पहले दो कंडीशन का कंप्लायंस क्या, उस चीज के अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी हो जाना चाहिए और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल हो जानी चाहिए, जो मैं नीचे अभी आपको पढ़ाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट
यू हैव टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द बैंक अकाउंट जहां से पैसा आया, मतलब सोर्स अकाउंट, सोर्स अकाउंट का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ज्वाइंट होल्डिंग अगर है, जैसे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी अप्लाई कर रहे हैं, आपने आइडेंटिफाई किया मिस्टर ए और मिस्टर बी को, या फिर मिस्टर एंड मिसेस ले लो, बेटर एग्जांपल है, तो मिस्टर और मिसेस ए ने अप्लाई किया, तो उसमें से जिसका नाम पहले आ रहा है ना वो अपने को पेमेंट देगा, उसके बैंक अकाउंट से पैसा आना चाहिए, ठीक है। सो यू हैव टू सी हूज नेम अपीयर्स फर्स्ट, दैट पर्सन विल पे द अमाउंट। अच्छा, दिस कंडीशन एंड दिस सब रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अरे जब वो पैसा दे ही नहीं रहा तो मैं ये क्यों बोलूंगा कि उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर, और ये जॉइंट होल्डिंग वाली बात क्यों आएगी। अब सबसेक्शन 5 वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चंस बहुत बड़े आए हुए हैं, कि इफ यू वांट टू गो फॉर एनी फ्रेश ऑफर और इनविटेशन, तो एंश्योर करना कि उससे पहले का जो भी ऑफर है, उससे पहले का जो भी ऑफर है, दैट शुड बी इधर कंप्लीटेड और शुड बी विड्रॉन और अबेंडेंट। सर समझ में नहीं आया, अरे आज मैंने इक्विटी शेयर का ऑफर दिया, अभी सपोज 10 दिन हुए, अभी ये ऑफर चल रहा है, मतलब लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये अभी क्लोज नहीं हुआ है, और आप उससे पहले डिबेंचर्स का ऑफर डाल देते हो, नहीं, पुराना वाला या तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, या तो अबेंडन हो जाना चाहिए, या तो विड्रॉ होना चाहिए, राइट। सो यू हैव टू सी कि अर्लियर वाले ऑफर का क्या हुआ है, वो पूरा क्लोज हो जाना चाहिए। एंड प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन अंडर सबसेक्शन 2, अ कंपनी मे एट एनी टाइम मेक मोर देन वन इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू सच क्लास ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। वो सिंपल है, ये प्रिस्क्राइब वाली बात आपको नहीं लर्न करने से ज्यादा, कि प्रोवाइडेड आप 200 की लिमिट पार ना करो, आप एक से ज्यादा इशू कर सकते हो, बस ध्यान देना कि फ्रेश ऑफर से पहले अर्लियर वाला अबेंडन, कंप्लीट या फिर विड्रॉ हो जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, अब सर पैसा आ गया है, किसी बंदे का पैसा आ चुका है, उसको अलॉटमेंट कब तक करूं, बैठ जाओ आराम से 2-3 महीने के लिए। अरे ना, आपको जब पैसा रिसीव हुआ, सो आफ्टर द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन मनी विद इन 60 डेज अलॉटमेंट शुड बी डन। इफ इट इज नॉट डन विद इन 60 डेज यू हैव टू रिफंड द मनी, विच मनी, एप्लीकेशन मनी। कितने टाइम में रिफंड करना है, विद इन 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। और अगर 15 दिन में आपने रिफंड नहीं किया तो पैसा तो रिफंड करना ही करना है, अलॉन्ग विद दैट इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम का। और यहाँ पे बहुत बड़ा एमसीक्यू बन सकता है जिसका ध्यान देंगे कि ये 12% का इंटरेस्ट कब से लग रहा है, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, ना कि फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज। मतलब टाइम दिया 15 दिन रिफंड करने का 60 डेज के बाद, लेकिन अगर पैसा रिफंड नहीं हुआ तो इंटरेस्ट जो चालू रहेगा वो 60 डेज के एंड में रहेगा, 15 डेज के एंड में नहीं, 60 के आगे 15 के, मतलब 60 डेज हो गए, आपने अलॉटमेंट नहीं करी, आप 15 डेज में रिफंड करो, अगर 15 डेज में रिफंड नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा, उस 15 डे के एंड में नहीं, उस 60 डे वाले के एंड से ही लगना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे एमसीक्यू बन सकता है बहुत ही प्यारा वाला, ठीक है। सर जो एप्लीकेशन मनी आया उसको कहां रखो और कहां यूटिलाइज करूं, उसको रखो सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड बैंक में, एंड यू विल बी यूजिंग इट फॉर नन ऑफ द अदर पर्पसेस एक्सेप्ट 2। आप सिर्फ 2 पर्पस के लिए यूज करना, फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, और फॉर द पर्पस ऑफ रीपेमेंट ऑफ मनी वेयर द कंपनी इज अनेबल टू सिक्योर अलॉट द सिक्योरिटीज। तो या तो उसको अलॉटमेंट के लिए यूज करो, मतलब शेयर कैपिटल उसका पेड अप करवा दो, एप्लीकेशन मनी आ गया, या तो फिर रिफंड करो। ये नहीं उससे आप छुट्टी बना रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, या कहीं घूमने जा रहे हो, नहीं बाबा, ये नहीं चलेगा। पब्लिक एडवर्टीजमेंट इज प्रोहिबिटेड सर, बिकॉज इट इज द केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक एडवर्टीजमेंट क्यों करूंगा, पब्लिक को तो ऑफर मैं दे ही नहीं रहा। सबसेक्शन 8 में आती है बात विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जाएगी आपके पैस 3 के अंदर ही, जैसा हमने पहले पढ़ा था। सो कंपनी मेकिंग एनी अलॉटमेंट अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट हैज टू फाइल अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। सर कितने टाइम में, अलॉटमेंट के विद इन 15 डेज। तो रिसीट ऑफ मनी हुआ, विद इन 60 डेज अलॉटमेंट कर दिया, फिर जिस दिन अलॉटमेंट किया उस दिन से आगे विद इन 15 डेज में आपको ये पैस 3 फाइल करना है, दैट इज योर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट अलॉन्ग विद द आरओसी। आपको आरओसी के पास ये चीज फाइल करनी है, और उसके इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स भी डिस्क्लोज करनी है कि मेरे कौन कौन अलॉटीज है, उनका फुल नेम क्या है, उनके एड्रेस क्या है, कितने सिक्योरिटीज अलॉट हुए, एंड एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो वो नीचे भी बता रखा है कि आप क्या क्या दोगे, उसका फुल नेम, एड्रेस, पैन, ईमेल आईडी, क्लास ऑफ सिक्योरिटी मतलब इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड, नॉमिनल वैल्यू, कितनी अमाउंट पेड है, तो ये सारी चीजें, पर्टिकुलर्स ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड इफ इट वॉज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो उसने हो सकता है मुझे बिल्डिंग दी और उसके अगेंस्ट मैंने उसको पैसा दिया हो, तो यार ये सारी डिटेल बता देना आरओसी को, क्या बड़ी बात है। डीम्ड पब्लिक ऑफर, इसका रेफरेंस मैंने ऊपर रूल में भी दे दिया था, एनी प्राइवेट प्लेसमेंट नॉट इन द कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 शेल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक ऑफर, एंड देन ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट SCRA Act and the SEBI Act shall be applicable। अरे बाबा, subsection 2 में तेरे को बोला था compliance करने का। For example, मैंने तेरे को बोला 200 जनों को ही दियो, 200 से ऊपर चला गया तो वो deemed public offer बन जाएगा, सारा का सारा public offer मान लिया जाएगा, ठीक है। तो और लगाते दे रहना फिर सारा Companies Act का compliance करना, SEBI Act का compliance करना, SCRA Act का compliance करना, public offer में बहुत compliances involved है। So don't commit any mistake while you are complying with the provisions of
प्राइवेट प्लेसमेंट, सबसेक्शन 9 और 10 पेनल प्रोविजन है, उसको पेनल प्रोविजन के अंडर हम हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये था आपके लिए पैस। अब अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज का ध्यान देना, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो आप मेरा पैस का एक पूरा डिटेल्ड लेक्चर है, डिटेल्ड लेक्चर, ठीक है, प्रॉपर उसके अंदर एक एक चीज समझाई गई है। ऐसे नहीं कि हम यू नो एक घंटा डेढ़ घंटे के अंदर रिवीजन कर रहे हो, ये तो रिवीजन लेक्चर था, वहां पे मैंने प्रॉपरली एक एक चीज डिटेल में पढ़ा रखी है, उसको मैं लिंक कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है सर। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टिल वी मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।